यस सर स्टार्टेड। स्टार्टेड, वाह चलो थैंक यू सर। ठीक है सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। ठीक है सर, तो बात करते हैं ना बिजनेस लॉ पर। तो उसमें ना एक्चुअली आज मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट का ऑलमोस्ट लास्ट क्लास में पढ़ाऊंगा जो चल रहा था उस हिसाब से। इसके बाद फ्रेशली कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, तो जो लोग फ्रेश से करोगे तो फ्रेश से फिर से कर लेना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ यू। एग्जाम में वेटेज भी बहुत रहता है और बिजनेस लॉ का ग्रिप टोटली कॉन्ट्रैक्ट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है सर, लेकिन जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट वीक से मैं कुछ दिन कॉन्ट्रैक्ट को ऑफ रखूंगा, क्योंकि मैं भी पढ़ा पढ़ा के ना बोर हो चुका हूँ। ठीक है, ऐसे होता है कभी कभी, एक ही चीज मोनोटोनस हो जाता है ना, बोर नहीं होता बट थोड़ा मोनोटोनस होता है, थोड़ा और टॉपिक पढ़ते हैं। तो इस बार नेक्स्ट वीक मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, आई थिंक नेगोशिएबल कराऊंगा, बहुत दिन नहीं पढ़ा है। आजकल सभी को है, सी एस सी एस सी एम ए फाउंडेशन इंटरमीडिएट सभी में है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ठीक है मैं देख लूंगा एक बार। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से किसका क्या है उस हिसाब से मैं बोलूंगा तो क्या पढ़ूंगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में एक टॉपिक चल रहा था उसको कंप्लीट करते हैं, आज कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोग मुझे कंफर्म करोगे। सर टॉपिक क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बातचीत जो हो रहा था वो है क्या 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 क्या, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमिडीज। ठीक है, माने क्या है ना, बिजनेस पे या फिर नॉर्मल जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल डील्स होते हैं ना, बिजनेस एक डीलिंग का मैटर है ना। जैसे मानो कि बड़े बड़े इंडस्ट्री जो हमारे सोसाइटी में चलता है, ये सोसाइटी एक कमिटमेंट के हिसाब से चलता है। कमिटमेंट समझते हो? कमिटमेंट माने जैसे मानो बायर सेलर मीट होता है ना, तो अगर कोई बोल रहा है कि मैं तुमको कुछ चीजें बेचूंगा और कोई बोलता है कि मैं तुमसे परचेस करूंगा, तो ये दोनों पार्टी को कमिटमेंट निभाना पड़ता है। अगर मानो सेल करने के बाद बात किया, फिर 2 मिनट बाद मुकर गया, पहले हाँ बोला फिर ना बोला, ऐसा करके करने से बिजनेस वर्ल्ड थोड़ी ना चल पाएगा सर, है ना। कमिटेड होना पड़ता है, और बिजनेस वर्ल्ड में कमिटमेंट के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर भी कभी कभी क्या होता है, जैसे स्लिप ऑफ टंग होता है, ठीक है, वैसा ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाँ बोल के फिर ना करना पड़ता है। कभी कभी मैंने सिचुएशंस बाध्य करता है, लेकिन ब्रीच तो ब्रीच ही होता है, और कभी कभी इग्नोरेंस के कारण हो जाता है, मैंने वो चाके भी नहीं कर पाता, लेकिन क्या है डील था पूरा करना पड़ेगा, नहीं कर पाया तो फिर उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंस समझते हो ना, मैंने हाँ करके ना करने का कॉन्सिक्वेंस। जैसे मानो आज सन्यासी आया, आज बलि का बकरा बनाएंगे, ठीक है, किसको बनाए? तुषार को बनाए, हाँ माथा झुका रहे तो तेरा ही नाम लेंगे। मान की तुषार ज्यादा करेगा तो दोनों को एक साथ ले लेंगे, फिर जो एग्जाम्पल बनेगा वो पसंद नहीं आएगा। पसंद आएगा? चल तुम लोग ऐसे मत करो, दोनों का एग्जाम्पल उठाऊंगा फिर पसंद नहीं आएगा, फिर बोलेगा सर ये सब एग्जाम्पल अच्छा नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गौरव। जैसे मान के तू किसी को पहले हाँ बोला, ठीक है, पहले हाँ बोला मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, हाँ ये वो बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है, 2 मिनट बाद कुछ कारण मिला और फिर ना कर दिया, कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा कि हाँ या ना? अरे हाँ बिल्कुल, हाँ चप्पल पड़ेगा? नहीं 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 पड़ेगा चप्पल? अच्छा नहीं ऐसे ही रो रहा है तू। चलो मजाक से कहा, आप लोग ये सब पर्सनली मत लेना, नाम किसी का भी उठाओ मैं, ठीक है, पर लड़का लोगों को ज्यादा उठाता हूँ, क्या है ना लड़की लोगों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलना फिर डिरोगेटरी हो सकता है, डिफेमेशन का केस लग जाए ना मुझे, सर कुछ भी अनाप शनाप एग्जाम्पल लड़की लोगों पे देता है, इसलिए मैं लड़की लोगों के बारे में एग्जाम्पल नहीं उठाता। ठीक है, ऐसे सब सॉफ्ट दिल वाले होते हैं ना, क्या पता कौन सा बात दिल पे चुभ जाए फिर गुस्सा कर जाए, लड़का हार्ड है ना, हार्ड बन। चलो
हो गया सर, चलो। तो बेसिकली ब्रीच का मतलब समझाने के लिए ये सब बकता रहता हूँ फालतू में, लेकिन समझा करो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही गंदा चीज है, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई तोड़े तो उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंस भुगतने का ना कुछ पैटर्न है, कुछ सिस्टम है। तो ऑलरेडी ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑलमोस्ट फाइनल क्लास होने जा रहा है, मैं ये सब बात कर चुका था। जस्ट मैं आपको 5 मिनट बताऊंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा ना ऐसे बह जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ बोलते बोलते। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बेसिकली क्या था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर्स इफ द पार्टी रिफ्यूज टू फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने वो तुमको प्यार दिल दे बैठा, पर तुमने उसको दिल देने के टाइम पे ना कर दिया, समझे। दोनों पार्टी में डील होता है ना, बिजनेस में भी वही होता है, डील हमेशा दोनों पार्टी के बीच में होता है, समझे। तो एक पार्टी ने अपना काम कर दिया, सपोज गुड्स भेजना था दे दिया, बट ऑपोजिट पार्टी पेमेंट नहीं कर रहा है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसने गुड्स, एक ने गुड्स भेजा, दूसरे ने पेमेंट नहीं किया, या फिर पेमेंट भेज दिया पर गुड्स नहीं आया। जैसे ऑनलाइन में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हमने ऑर्डर किया पर ऑर्डर टाइम पे नहीं आया, होता है ना। तो जब टाइम पे नहीं आता है, ज्यादातर केस में कब होता है मैं आपको बताता हूँ, दुर्गा पूजा के टाइम। वैसे बंगाल का सबसे मेन टाइम शॉपिंग का वही होता है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, दुर्गा पूजा के टाइम पे ही शॉपिंग करेगा वो, क्योंकि उसी टाइम पे आपको मार्केट में न्यू न्यू फैशन का सब चीज मिलेगा। कोई बोलेगा नहीं हमारा दिवाली बड़ा है, ठीक है आप बोल सकते हो, लेकिन शॉपिंग दुर्गा पूजा में करो, क्योंकि दिवाली के टाइम पे स्टॉक ऑलमोस्ट ना के बराबर, ना के बराबर मिलेगा ही नहीं। सर आपको कैसे पता? सर मेरे को ऐसे इसलिए पता, जैसे मैम मारवाड़ी है ना, तो मैम लोगों का नाम भी दिवाली थोड़ा ज्यादा सेलिब्रेशन होता है, कॉम्पेयर दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट करते हैं, पर दिवाली थोड़ा ज्यादा होता है नॉर्थ इंडियन कल्चर में, ठीक है। तो पहले पहले मैम बोलते थे दुर्गा पूजा में नहीं लेंगे, दिवाली के टाइम पे लेंगे, तो उस टाइम पे उतना नॉलेज नहीं था, तो मैं बोलता दिवाली के टाइम पे, अच्छा ठीक है दिवाली के टाइम पे नहीं। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि भाई दुर्गा पूजा के टाइम पे भीड़ होता है, ठीक बात है, लेकिन उसी टाइम पे तुमको एक से बढ़कर एक कलेक्शन मिलेगा जो पसंद आता है। लेकिन तुम दिवाली के टाइम पे जाओ, सब मक्खी मार रहा है, कुछ नहीं है, दुकानदार लोग पे आके दिखाने के लिए भी उतना दिलचस्पी नहीं है, ठीक है कोई कुछ बिक जाए अलग बात है, बट नॉट लाइक दुर्गा पूजा टाइम, ठीक है। उस टाइम पे अच्छा बुरा भला सब मिलता है, ठीक है, इवन कभी कभी हमारे साथ चीट भी हो जाता है, सस्ता का चीज महंगा भी हो जाता है ना, डिफरेंट चीजें चलता है, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। जो भी हो, आजकल कभी कभी ऑनलाइन में दुर्गा पूजा के टाइम पे शॉपिंग करता हूँ, ठीक है, तो ये सोच के कि आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। और नॉर्मली दुर्गा पूजा के टाइम पे मैं नॉर्मली कोलकाता में ही नहीं रहता, मैंने ये भीड़ भाड़ छोड़ के मैं भाग जाता हूँ, ठीक है। तो मेरा इच्छा रहता है कि दुर्गा पूजा स्टार्ट होने से एक आध दिन पहले पहले कहीं ना कहीं घूमने जाओ, वो साल में एक आध बार घूमने का थोड़ा शौक है, तो उसी टाइम पे सोचता हूँ। अब मानो कि पंचमी के दिन या षष्ठी के दिन निकलना है, ठीक है, और ऑर्डर किया था, बोला था टाइम पे आएगा, बट पता चल रहा है कि पंचमी के पहले भी वो मैंने ऐसा दिखा रहा है कि ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है, मैंने डिस्पैच तक नहीं हुआ, तो मेरे को अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, अगर वो अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ तो मुझे बीच में कैंसिल करना पड़ता है। तो ये तो ओके, अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ कंपनी मेरा पेमेंट, मैं नॉर्मली पेमेंट कर देता हूँ, मैं सीओडी के चक्कर में नहीं रहता, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज थोड़ा पैसा कमाता ही बोल के नहीं, जब मैं कमाता भी नहीं था तब भी मैं सीओडी नहीं करता था, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग डे से पता है ये लोग मारेगा नहीं, ठीक है। कई बार तो मैं ऐसा भी करता हूँ कि एक साथ 4-5 जीन्स 7-8 जीन्स ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है, तो पेमेंट तो एक साथ बहुत सारा करना पड़ता है, लेकिन मेरे को एक चीज पता है कि वो अब शॉपिंग मॉल में तो तुम्हारे सामने ऑप्शंस होता है ना, कि इतना सारा जीन्स तुम देखो पहनो, अब इधर क्या है, एक चीज ऑर्डर करोगे, मानो कि वो उसका जो भी लेंथ है सब कुछ ठीक ठाक निकला, तो 5-7 जीन्स एक साथ ऑर्डर करो, एक ही लेना है, ठीक है, फिर बाकी रिटर्न में जाएगा। ये सब आजकल मैं करता हूँ, ठीक है, थोड़ा साहस बढ़ गया, लास्ट 5-7 साल से मैं ये सब चक्कर लगाता हूँ, सारा ऑर्डर कर देता हूँ एक साथ घर पे एकदम अपने आईने के सामने ट्रायल दे दिया, फिर पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो एक ही लेना है बाकी सब वापस, ठीक है। तो मिंट्रा वाले बड़ा खुश हो जाते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट वाले, जहां से भी लेता हूँ ज्यादातर मिंट्रा, हाँ ऑफर भी मिलता होगा, लेकिन इसमें चक्कर है सुन, जब एक साथ बहुत सारा ऑर्डर करते हैं कूपन मिलता है ना, और वो कूपन में ना कम से कम मैं हिसाब करके लगा, अगर मान के 10-15,000 का ऑर्डर हो गया, एक एक जींस अगर 2,000 करके भी है, तो 5 जींस का तो 10,000 हो ही जाता है। अब 10,000 का जींस ऑर्डर किया, अब मान के कूपन मिला मेरे को से फॉर एग्जाम्पल 1,500 का, तो 10,000 में 1,500 का डिस्काउंट दिख रहा है, लेकिन मेरे को तो लेना ही नहीं है इतना सारा। चक्कर क्या है, जब इतना सारा मुझे लेना नहीं है
तो अल्टीमेटली जब मैं रिटर्न करूंगा तो वो जो डिस्काउंट मुझे मिला था वो भी मेरा इनवैलिड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो मिंट्रा वाले भी बड़ा खुश हो जाते हैं, तो अगर मिंट्रा से करता हूँ वाह एक साथ इतना ऑर्डर आया, बाद में पता चला भाई इसका तो लेना एक ही है। ठीक है, तो वट एवर विद द सिचुएशन, मेरा कहने का मतलब है ये मेरे साथ दुर्गा पूजा के टाइम पे बहुत होता है कि जिस टाइम पे आना होता है प्रोडक्ट को उस टाइम पे नहीं आता है, कुछ देर बाद में आता है। इस बार तो ऐसे हुआ था कि दुर्गा पूजा में डिलीवरी करना था, फिर मैं चला गया कोलकाता से बाहर, सच में बता रहा हूँ आपको, फिर वो लोग डिलीवरी करने आए, तो ऐसे मुझे लेना था उसमें से एक पीस। ठीक है, तो मैं बोला चलो आने दो यार, ठीक है, ऐसे रिटर्न का टाइम 30 दिन 25-30 दिन रहता है। तो डिलीवरी बॉय अटेम्प्ट किया, फिर वो बोल रहे कि नेक्स्ट और अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो मैं बोला अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं करेगा तो फिर मेरा जो पसंद का चीज़ था वो तो नहीं मिलेगा मुझे, तो फिर मैं एक रिस्क लेना पड़ा मुझे। तो मैं डिलीवरी बॉय को बोलता हूँ कि मैं इस दिन आऊंगा आप उस दिन दे दो ना मुझे। बोले नहीं सर ऐसा नहीं होगा। तो फिर बोले कुछ उपाय, कुछ तो उपाय बताओ, क्योंकि तो फिर से ऑर्डर करके फिर से और झमेला मुझे नहीं लेना, ये थोड़ा ऑनलाइन झमेला करता है। फिर वो मेरे को एक चीज़ बोला कि अगर आप भरोसा करके डिलीवरी को एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हो, माने बेसिकली उसके ऐप में माने उसके पास जो सिस्टम है वहां पर दिखाएगा कि डिलीवर्ड हो चुका है, लेकिन प्रोडक्ट किसके पास रहेगा? डिलीवरी बॉय के पास। अगर मैं ये रिस्क उठाऊंगा तो फिर ये वो अपने तरफ से कर सकता है। अब ये जो जितना का भी प्रोडक्ट है अगर तुम अपने तरफ से कर सकते हो तो करो, नहीं तो अगर बाद में वो किसी को बेच के निकल जाए तो फिर आपका गया। ठीक है, तो जिस लड़का जो बेसिकली इसको मेंटेन करता था, ऐसे तो देखो डिलीवरी बॉय नॉर्मली क्या होता है, कभी ये कभी वो, हम थोड़ी ना किसी को जान के बैठे होते हैं, लेकिन एक एरिया में एक रेगुलर लड़का रहता है, तो मैं उनको फोन किया, अरे ऐसा ऐसा केस है क्या आप इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? तो बोलते ठीक है मैं बात करता हूँ हाब में। तो जहाँ पर हाब होता है हाब में बात किया, फिर मेरा डिलीवरी को मेरे मेरे से परमिशन लेके एक्सेप्ट किया और वो अल्टीमेटली उसके पास ही रहेगा। मैं दुर्गा पूजा के 10-12 दिन बाद जब वापस आया छुट्टी कम मना के, उसके बाद जैसे आके मैं उसको फोन किया वो मेरे पास आके वो सब डिलीवरी देके चला। तो ये बेसिकली उसका बड़प्पन ही बोलूंगा और क्या बोलूंगा। ठीक है, तो ये सब अलग एडजस्टमेंट है, लेकिन नॉर्मली अगर आपको टाइम पे नहीं मिलता है तो उसका बहुत बड़ा लॉस भुगतना पड़ता है ना? तो सिमिलरली सोचो कि ये तो बस पर्सनल कंजम्पशन का, बिजनेस लेवल पे कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर पर्सनल लेवल में चीजें ऐसा इंपॉर्टेंट हो सकता है तो बिजनेस लेवल में अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे को स्टॉक लेना है, अगर वो टाइम पे नहीं आता है, फिर टाइम चला जाने के बाद वो स्टॉक आता है, किसी को आपने एक ऑर्डर दिया था दुर्गा पूजा का पहले चाहिए क्योंकि दुर्गा पूजा में ही सेल होता है, और वो बंदा ऑर्डर भेज रहा है दुर्गा पूजा के बाद, क्या करूंगा स्टॉक को लेके, किसको बेचूंगा? क्योंकि उसके बाद तो आएगा ही नहीं कोई, अगर आता भी है तो भी बहुत स्लोली आएगा, 6 महीने मैंने दुर्गा पूजा में साल भर के दुकानदार जो ना कमाते हैं एक दुर्गा पूजा में उससे डबल कमाते हैं, मैंने मैं बंगाल का बात कर रहा हूँ। सो इसलिए किसी भी चीज का एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम पे ना मिले तो वो ब्रिज हो जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, समझ में आ रहा है सर? तो बिजनेस लॉ के अंदर यही सब चीजें आपको लीगली समझाया गया है कि किस तरह से आप ब्रिज को ले सकते हो नहीं ले सकते। ठीक है, इस तरह देखो मैं बोला था मैं बह जाऊंगा अल्टीमेटली बहेंगे। ठीक है, बोलते ना भावुक हो जाता हूँ ऐसे, मैंने ऐसे भाप दरिया में निकल जाते कहाँ चला गया, हाँ गलत हैबिट है मेरा। चलो ठीक है, अच्छा इसमें दो चीज था, शूट फॉर इंजंक्शन एंड शूट फॉर क्वांटम मेरिट, मैं समझाता हूँ क्या है। ये चीज ये था सर, ये मैं आपको समझाता हूँ, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ डैमेज कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि अगर कोई डील तोड़ता है, ठीक है, अगर कोई डील तोड़ता है बीच में डील को आधा छोड़ के भाग जाता है तो उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया कि आप मैंने बेसिकली फ्रॉम जिसके साथ धोखा होता है, मैंने यहाँ पर बायर सेलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं जस्ट बाई सेलर का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ओनली टू अंडरस्टैंड कि कैसे हो सकता है। यहाँ पर बाई सेल के अलावा कुछ भी हो, अपने बाई सेल का डिटेल्स नॉलेज आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट देता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी और भी स्पेसिफिक चीजें हैं। ऐसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पहले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही रखा गया था, पर बाद में सेल ऑफ गुड्स को अलग से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा के बनाया गया। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ सेल ऑफ गुड्स होगा ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने सेल ऑफ गुड्स के अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट हो, या फिर अगर वो बिजनेस ना भी हो तो भी चलेगा,
है, नॉर्मल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इसमें आ सकता है, जिसमें फादरेंस ऑफ बिजनेस ना भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। फादरेंस ऑफ बिजनेस माने फादर, उसमें तुम बिजनेस उसको लेके जाना चाहते हो, माने उसमें बिजनेस डील ना भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाएगा। तो इसमें नॉर्मली क्या क्या डैमेजेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको आइडिया देता हूँ सर। जैसे ऑर्डिनरी डैमेजेस, ठीक है, क्या क्या डैमेजेस है? सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विच डील्स विद कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन दी जजमेंट इन द अबव केस। इट स्टेट दैट द एग्रीड पार्टी में क्लेम दी डैमेजेस। एग्रीड पार्टी माने कौन? थैंक यू सर, आंसर आज आप लोगों ने बोला। ठीक है, एग्रीड माने जिसके साथ धोखा हुआ है, जिनके साथ खराब हुआ है, जिसने कोई गड़बड़ नहीं किया, जिसके साथ गड़बड़ हुआ है, जिसके साथ गड़बड़ होता है उसे एग्रीड कहते हैं। याद रहेगा? हाँ रहेगा ना, जिसके साथ धोखा होगा उनको बोलते हैं एग्रीड पार्टी। तो यहां पर ब्रीच का केस कौन करेगा? एग्रीड पार्टी करेगा, जिनके साथ धोखा होगा वो करेगा। थैंक यू सर। इसमें जैसे ऑर्डिनरी डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस का कैलकुलेशन सिखाया था ना मैंने, बेसिकली जितना लॉस होगा ऑर्डिनरी वे में, मैंने उसमें कोई स्पेशल मैटर नहीं आएगा, उसमें कोई स्पेशल मैटर नहीं आएगा। एग्जाम्पल कराने से याद आ जाएगा आप लोगों को, शायद आप लोग भूल रहे हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ये सब हो चुका है फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा रिपीट के लिए। 1 दिसंबर को एक्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल एंड डिलीवर 50 टन ऑफ व्हीट, व्हीट माने गेहूं, एट द रेट 8,000 पर टन टू वाई ऑन 1 जनवरी। ठीक है, दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जनवरी में डिलीवर कर रहा है। 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर वाई आफ्टर वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल दोज गुड्स टू जेड ऑन 10,000। 1 दिसंबर एक्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल एंड डिलीवर 50 टन ऑफ व्हीट, 50 टन का गेहूं बेचना है, कितने में? 8,000 कर गए। किसको बेचना है? वाई को बेचना है ऑन 1 जनवरी, जनवरी को। ठीक है, ऑन 20 दिसंबर आते आते वाई बोल रहा है आफ्टर वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड, मैंने बीच में, मैंने 1 दिसंबर को बोल रहा है कि मैं तुमको 1 जनवरी में सेल करूं, लेकिन 1 दिसंबर के बीच, 1 दिसंबर से 1 जनवरी बीच में क्या है? 20 दिसंबर। ठीक है, बीच में 20 दिसंबर में एक्स वाई को फोन करके बोल रहा है, सॉरी जेड को बोल रहा है कि भाई मेरे पास गेहूं है, 8,000 की जगह मैं तेरे को, मैंने 8,000, वो नहीं बोलेगा 8,000 का डील हुआ था बोल के, वो किसी और को 10,000 में बेच दे रहा है, जस्ट बिकॉज की एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा पर टन में। बात समझ में आया? एक्स के साथ नॉर्मली किसका डील हुआ था? एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ था? वाई का। तो यहाँ पर एक जब वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी है, तो फिर वो बीच में जेड को काय को फोन कर रहा है? भाई तुम तो ऑलरेडी डील में हो, तो फिर तुम बीच में क्यों दूसरे को फोन कर रहे हो? हाँ, एक्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल एंड डिलीवर 50 टन ऑफ वेट ऑन 8,000 पर टन टू वाई ऑन 1 जनवरी। अच्छा, ऑन 20 दिसंबर वाई आफ्टरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल दोस गुड्स टू जेड एट 10,000। अच्छा सॉरी, कहानी थोड़ा यहाँ पर अलग बोला है, समझा देता हूँ, अभी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इस पे बीच में प्रॉब्लम है। 20 दिसंबर को वाई ने बाद में जेड को सेल करने का बोला कि मैं 10,000 में तुमको बेचूंगा, मैंने 1 दिसंबर को एक्स ने वाई को बोला और फिर 20 दिसंबर को वाई ने जेड को बोला, बट इसमें बीच में क्या हुआ? देखो, एक्स फेल टू डिलीवर गुड्स ऑन 1 जन। सॉरी, मेरा हिसाब थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मैं आपको कॉन्सेप्ट में आगे जाता हूँ क्योंकि मैंने कुछ और सोच के बोल दिया। एक्स फेल टू डिलीवर गुड्स ऑन 1 जनवरी, और 1 जनवरी जब आया तो एक्स ने डिलीवर नहीं कर पाया। व्हेन द प्राइस ऑफ द व्हीट वाज 9,500 पर टन, तो जिस दिन फेलिरिटी हुआ उस दिन गेहूं का दाम क्या चला गया? 8,000 से 9,500 हो गया। ठीक है, वाई इज एंटाइटल्ड टू रिकवर 75,000। कैसे 75,000 आया? क्योंकि 9,500 अभी मार्केट में रेट चल रहा है और वाई ने एक्स के साथ कितने का डील किया था? 8,000 का। तो कितना एक्स्ट्रा पैसा? अभी देखो, अब वाई तो जेड को देने का वादा किया है ना 20 दिसंबर को, मैंने कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वादा नहीं, 20 दिसंबर को उसको देना नहीं है, 20 दिसंबर को एग्रीमेंट हुआ है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये जो एक्स्ट्रा 1,500 है, ये एक्स्ट्रा 1,500 अभी वाई को जेड को देने के लिए मार्केट से उस दाम पे खरीदना पड़ेगा, है ना? उनको तो डील को पूरा करना है, क्योंकि एक्स ने ब्रीच किया, एक्स ने वाई के साथ ब्रीच किया, तो क्या वाई जेड के साथ ब्रीच कर देगा? ऐसे थोड़ी है। ठीक है, तो मार्केट में अवेलेबल है 9,500 करके,
तो 9,500 करके खरीद के फिर वो 500 टका प्रॉफिट उसका कम हो जाएगा, क्योंकि 10,000 का डील हुआ था उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 1,500 है ये वो रिकवर कर सकता है, वाई इज नॉट एंटाइटल्ड। अब इसमें कितना रिकवर कर सकता है वो चीज आप यहाँ पर समझो, वाई इज एंटाइटल्ड टू रिकवर 75,000, दैट इज 9,500 माइनस 8,000 इनटू 50 टन्स। वाई इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर 1 लाख एज प्रॉफिट ऑफ विच वुड हैव अराइजन टू वाई फ्रॉम द सेल ऑफ जेड बिकॉज द प्रॉफिट इज इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। माने तुम्हारा जो नॉर्मल लॉस हो रहा है 8,000 का तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके जगह तुमको लेना पड़ रहा है 9,500 में, तो एक्स्ट्रा 1,500 इंटू 50 टन्स। समझ में आ रहा है ना कैलकुलेशन, 1,500 टका एक्स्ट्रा पॉकेट से जाएगा और 50 टन टोटल माल है, तो टोटल कितना हो जाएगा 75,000। ठीक है, लेकिन जेड वाई जो जेड को डील किया था कितने का, 10,000 करके, 10,000 करके डील किया था ना वाई इज नॉट। अच्छा यहां पर 1 लाख का हिसाब कहां से आ रहा है बोलो तो, 10,000 माइनस 8,000, 10,000 माइनस 8,000, ऐसे तो प्रॉफिट कितना उसका जा रहा है 2,000 करके पर टन, तो 50 टन का कितना हो जाएगा 1 लाख। समझे ना, ये 1 लाख वो रिकवर बने नहीं कर सकते, ये जो 1 लाख है ये रिकवर नहीं कर सकते, माने उसका प्रॉफिट जो लॉस हो रहा है ये प्रॉफिट का जो लॉस है, माने जो प्रॉफिट वो कर सकता था वो नहीं कर पाएगा, ये रिकवरी नहीं होगा। ऑर्डिनरी डैमेजेस में तुम सिर्फ अपना नॉर्मल जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकते, तुम्हारा परचेस प्राइस इंक्रीज हुआ है ना, वो परचेस प्राइस एक्स्ट्रा जो इंक्रीज हुआ है उतना तुम रिकवर कर सकते हो, तुम कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है तुम्हारा उस कॉन्सिक्वेंस का तुम रिकवरी नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेज। बात समझ में आया, क्लियर है सबको? ये लास्ट दिन भी बोला था, पहले के क्लास में भी इसके बारे में बातचीत हुआ है, तभी मैं थोड़ा जल्दी में बोलने का कोशिश कर रहा था, बट बोलते बोलते मैं ही थोड़ा अलग लेवल में चला गया। चलो कोई बात नहीं, तो स्पेशल डैमेजेस में क्या होता है, पहले से डील होके रखा है। स्पेशल डैमेजेस में दोनों पार्टीज को पता होता है कि कहां पर प्रॉब्लम होगा, माने अगर प्रॉब्लम होगा तो कौन किसको कितना भरपाई करेगा। ऑर्डिनरी डैमेजेस में पहले से कोई किसी को नहीं बोल पाएगा, ऑर्डिनरी में क्या लॉस हो रहा है वही लॉस के ऊपर बेस करके कैलकुलेशंस होगा, बट स्पेशल डैमेजेस के केस में, क्या होगा, दोनों पार्टीज को पहले से पता होना चाहिए कि इसमें कितना लॉस अंदर छुपा हुआ है। इवन प्रॉफिट का अगर कुछ घाटा हो रहा है, अगर प्रॉफिट किसी कारण से कम हो जाएगा वो भी यहां पर रिकवर हो सकता है। जैसे चलो आपको मैं बता ही देता हूं, ये वाला केस याद है सर, ए बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट टू इरेक्ट द फिनिश हाउस बाय द 1st of January इन ऑर्डर दैट बी मे गिव पोजेशन ऑफ इट एट दैट टाइम टू सी। माने बेसिकली बिल्डर कौन होता है, जो बिल्डिंग बनाते हैं है ना, इरेक्ट फिनिश ए हाउस, माने वो बिल्डिंग को बनाएगा और उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करके 1st जनवरी में बी को देगा, एंड गिव पोजेशन ऑफ इट एट दैट टाइम टू सी, ताकि वो टाइम पे सी को पोजेशन दे सके, टू होम बी हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू लेट इट। और बी क्या किया, उसको भाड़ा देने का बात किया। ठीक है, बात समझ में आया, ए कौन है यहाँ पर, बिल्डर माने प्रोमोटर जिसको हम लोग नॉर्मल में बोलते हैं, प्रोमोटर बिल्डिंग बनाएगा बाय द 1st of January इन ऑर्डर दैट बी मे गिव पोजेशन ऑफ इट इन एट दैट टाइम टू सी, टू हुम बी हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू लेट इट। तो बी बेसिकली यहाँ पर सी को बोला था कि मेरे मेरा बिल्डिंग बन जाएगा तो मैं तुमको रेंट में रखूंगा, ठीक है, मे बी 50,000 पर मंथ का रेंट है, सर इतना रेंट होता है, अरे क्यों नहीं होगा, 4 BHK, 5 BHK, 6 BHK बनाओ ना, ठीक है, और अगर बैंगलोर में हो तो 2 BHK ही रेट है, बैंगलोर में 2 BHK का ही यही रेट है, 40 to 50,000। कोलकाता में तुमको 15 to 20,000 अगर थोड़ा लग्जरीज एरिया है 15-20 हज़ार में मिल जाएगा, लाइक हाँ मैंने थोड़ा सा अगर लग्जरीज एरिया इन द सेंस थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, लाइक अलीपुर वगैरह में भी तुमको 20 हज़ार में मिल जाएगा 2 BHK, ठीक है, लेकिन बैंगलोर में अगर तुमको लेना है केस्टोपुर में तो तुमको 12,000-15,000 में मिल जाएगा, ठीक है, 10 to 12,000 में थोड़ा वेल डेकोरेटेड लाइट एयर प्रॉपर है, 12,000 में तुमको 2 BHK मिल जाता है, ठीक है, लेकिन अगर तुमको सेम 2 BHK बैंगलोर में चाहिए, ठीक है, तो सर नहीं आएगा, ठीक है, बैंगलोर में 40-45,000। रिसेंटली एक डेटा निकला है कि बैंगलोर में सब कोई मेन सिटीज है, मैंने मेन जहां पर रेंट का ज्यादा डिमांड है वहां से निकल के आउटस्कर्ट्स में चले जा रहे, क्यों,
इतना रेंट लोगों को बहुत चुभ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही जाना चालू किया तो जो लोग लैंडलॉर्ड लोग हैं वो लोग बोले नहीं नहीं हम लोग 30 में रखेंगे, 25 में रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग पूरा मार्केट में मोनोपोली हो चुका है, तो वो मोनोपोली को बिगाड़ रहा है। और ऐसे तो कोई कोई तो ऐसे बैंगलोर में तो ऐसे ऐसे भी मैंने सुना कि अगर मानो रेंट पे किसको रखेगा उसका डेजिग्नेशन भी बता देता था कि ओनली IIM ग्रेजुएट्स को ही रखेगा, ओनली IIT ग्रेजुएट्स को ही रखेगा। इस लेवल का मैंने मैंने क्या बोलते हैं उसको, मैंने प्रिसाइज करके बोल देगा कि हमें स्पेसिफिकली यही लोगों को रेंट पे रखना है। अगर IIM ग्रेजुएट ना आए, जैसे एक इंजीनियर बैंगलोर में न्यू न्यू जॉब में गया है, उसने अपना ग्रेजुएशन IT में कंप्लीट किया था, भुवनेश्वर में एक है ना कीट बोल के, जानते हो, कॉलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा एक नाम है, KII। ठीक है, तो जब उसको बोला कि उसने अपना CV जमा किया, लैंडलॉर्ड को CV देना पड़ता है कि मैं कौन हूँ कहाँ पे पढ़ के आया हूँ, तब जाके तुमको रेंट मिलेगा, ये बैंगलोर है भाई कुछ भी हो सकता है। तो उसने IIT की जगह नॉर्मली नॉर्मल इंडिया IIT मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वन ऑफ दी टेक्नोलॉजिकल लेवल में, और IIM मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसमें उसका क्या था, KII। ठीक है, बस इस K के चक्कर में उसको रेंट नहीं मिला। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, बहुत ज्यादा है, मैंने मेरे को तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है बैंगलोर में। जब भी हो तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था, बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट टू इरेक्ट अ फिनिश्ड हाउस बाय 1st of January इन ऑर्डर दैट बी मे गिव पोजेशन ऑफ इट एट दैट टाइम टू सी, सी टू होम बी हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू लेट इट, ए इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड सी। अब इसके बारे में ए को पता है, इसके बारे में ए को पता है, मैंने बिल्डर को पता है बी और सी के बीच में ऐसा कोई डील चल रहा है कि मैं बिल्डिंग कंप्लीट करूंगा तभी जाके बी सी को घर भाड़ा दे पाएगा। इट्स वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ ए बिल्ड द हाउस सो बैडली दैट बिफोर द 1st of January इट फॉल्स डाउन, 1st January आने से पहले गिर गया, जैसे सरकारी लेवल में ब्रिज गिर जाता है ना। जैसे रिसेंटली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में एक पूरा क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग या ढांचा जो भी है एयरपोर्ट गिर गया, सुना नहीं? दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में है, इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, पता नहीं किसको काम दिया था, कैसा काम किया है, पूरा एयरपोर्ट का एक स्ट्रक्चर पूरा गिर गया, जो भी हो। और अपने कोलकाता में ब्रिज गिरा था, याद है, पोस्ता में। हाँ, भयंकर दिन था, बाप रे बाप। उस दिन मैं भी उस उधर जाने वाला था, मैं बस बस में चढ़ने जा रहा था। ठीक है, ऊपर वाले का किस्मत, पोस्ता में हम लोग का ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है। ठीक है, पापा चाचा का ट्रांसपोर्ट का हम लोग का ऑफिस है, एकदम जिस जहाँ पर बिल्डिंग गिरा है वहीं पर है। किस्मत हुआ देखो कि हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर कुछ नहीं हुआ, थोड़ा इधर हुआ है, यानी गिरीश पार्क साइड में हुआ है, गिरीश पार्क ऑनेस्ट टॉकी के बीच में हुआ है। हम लोगों का ट्रांसपोर्ट जो है मालापाड़ा एरिया में आता है, मालापाड़ा में नहीं गिरा, गिरा है गिरीश पार्क और गणेश टॉकी के बीच में। ठीक है, तो जब ये भी किस्मत है। और मैं बेसिकली उस दिन जा रहा था, और जैसे ही मैं बस में चढ़ने गया, VIP में जाके बस चढ़ रहा था, और खबर मिला कि ऐसे पोस्ता में ब्रिज गिरा है। नहीं, पोस्ता में ब्रिज गिरा है, कौन सा वाला ब्रिज, वो तो चालू नहीं हुआ था। बोले नहीं, आज ही चालू हुआ था, चालू होते ही गिर गया। चालू हुआ सुबह, 2-3 ट्रक गया। ठीक है, मैंने ट्रायल रन तो करा दे पहले। ठीक है, ठीक है, कम से कम ड्राइवर लेस 2-4 कार पर भेज उसमें, कुछ नहीं। और जिस कंपनी से वो ब्रिज को बनवाया था वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी था, ब्लैक लिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी, मैंने जिस कंपनी को नॉर्मली मैक्सिमम स्टेट इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ब्लैक लिस्टेड करके रखा, क्योंकि वो 2 नंबर ही करने में माहिर है, उस कंपनी से कोलकाता में उसको काम दिया गया था। वो भी कोलकाता का वन ऑफ दी कंजेस्टेड एंड ओल्ड एरिया। ओल्ड एरिया और कंजेस्टेड एरिया का क्या प्रॉब्लम है कि वहां पर आबादी बहुत घना है और कंस्ट्रक्शन इतना पुराना है उस एरिया का, बाकी घर वगैरह, कि वहां पर किसी को इतना इजीली तुम हटा नहीं सकते, क्योंकि इतना ओल्ड सिविलाइजेशन है। तो वहां पर अगर किसी को तुम ब्रिज बनाने का दे रहे हो तो कम से कम एक्सपर्ट्स को दो। ऐसे घने आबादी में ब्रिज गिरना बहुत खतरनाक होता है, लॉस भी बहुत हो गया, जो मरा था बहुत भयंकर मरा था। जो भी हो, चलो मैं भी मर सकता था उस दिन, ऊपर वाले का इच्छा है, बचाते इसको, अभी जान है इसके अंदर। हाँ, किसका क्या बोला रे, दिसंबर वाला अटेम्प्ट देना है, इसलिए तुम लोग भी ना। अच्छा, तो यहाँ पर समझ में आया, तो बिल्डिंग को इतना बैडली बनाया कि वो गिर गया। अब पॉइंट इज दैट, अब ए को तो पता था पूरा कॉन्सिक्वेंसेस कि क्या होने, मैंने क्या उनके बीच में डील था,
तो बिफोर द फर्स्ट ऑफ जनवरी, फर्स्ट डाउन एंड हैज टू बिल्ड बाय बी, माने बेसिकली बिफोर द फर्स्ट ऑफ जनवरी इट फॉल्स डाउन एंड हैज टू बी रिबिल्ड बाय बी, तो बी को इसको रिबिल्ड करना पड़ेगा. हु इन कॉन्सिक्वेंस लॉसेस द रेंट व्हिच ही वाज टू हैव रिसीव्ड फ्रॉम सी, उसका रेंट का लॉस हो जाएगा तो, एंड इज ऑब्लाइज टू मेक कॉम्पेंसेशन टू सी. तो यहाँ पर बी को क्या करना पड़ेगा, अब सी कहाँ जाएगा रेंट लेने, अब सी का जो, अगर सी कहीं और जगह में रेंट लेने जाएगा, अगर उसको एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ता है तो उसका लॉस किसको भरना पड़ेगा, बी को भरना पड़ेगा. तो क्योंकि यहाँ पर ए ने बी को धोखा दिया तो ऑटोमेटिकली बी भी बाई डिफॉल्ट सी को धोखा देना पड़ रहा है, इसमें सी का जो लॉस बढ़ रहा है, ये सी का लॉस का भरपाई कौन करेगा, बी करेगा. और सी के बी ए के कारण जो बी का लॉस भरपाई हो रहा है वो कौन करेगा, ए करेगा, है ना. तो ए मस्ट मेक कॉम्पेंसेशन टू बी फॉर द कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस, फॉर द रेंट लॉस एंड फॉर द कॉम्पेंसेशन मेड टू सी, तीनों का, बिल्डिंग को रिबिल्ड करने का जो भी खर्चा एक्स्ट्रा आएगा ठीक है वो भी ए बी को भरपाई करेगा, रेंट का जो लॉस बी को देना, सी को देना पड़ रहा है वो भी भरपाई करेगा, और जो लॉस उठ रहा है ठीक है इसके बीच में ये लॉस भी भरपाई करना पड़ेगा किसको, ए को. दिस इज अ स्पेशल डैमेज, समझ में आ रहा है सर. ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सर, ठीक है. यही सब चीजें लास्ट वीक बातचीत किया था. फिर नॉमिनल डैमेजेस, डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड डिसकम्फर्ट, ये सब मैंने बोला था, फिलहाल और इतना नहीं जा रहे हैं. यार पढ़ा था इसको, नहीं पढ़ा था क्या? नॉमिनल डैमेजेस आर दोज व्हिच आर अवॉर्डेड हियर वेयर देयर इज ओनली अ टेक्निकल वायोलेशन ऑफ ए, अच्छा शायद मैंने नहीं पढ़ा था ना, अरे मुझे ऐसा लग रहा है मैं नहीं पढ़ा था यार. प्यूनिटी पढ़ा था थोड़ा, हाई नहीं, चलो अच्छा है, चलो ठीक है, मैं सही जगह में हूँ. मेरा थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, भूल जाता हूँ कभी. एग्जाम्पलरी, अच्छा चलो नॉमिनल में बात करने से पहले एक बार, अच्छा ठीक है पहले नॉमिनल बोल ही देते हैं क्या है, एक ही बात. तो नॉमिनल डैमेजेस आर दोज व्हिच आर अवॉर्डेड वेयर देयर इज ओनली अ टेक्निकल वायोलेशन ऑफ ए लीगल राइट बट द एग्रीड पार्टी हैज नॉट इन फैक्ट सफर्ड एनी लॉस बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. माने हाँ ये मैं समझाया था, मुझे याद है. नॉमिनल डैमेजेस में क्या था कि एक्चुअली एग्रीड पार्टी को कोई लॉस नहीं हुआ है ठीक है, लेकिन ब्रीच हुआ है, ब्रीच हुआ है, लॉस नहीं हुआ है. तो ऐसे हो सकता है ना, माने इट्स लाइक कि सपोज मानो कि मेरे घर के सामने किसी ने एक दुकान लगा दिया ठीक है, अब दुकान लगाने के कारण वो एक लॉ को ब्रीच कर रहा है कि जैसे मेरे आप सामने कोई दुकान नहीं लगा सकते एग्जाम्पल के तौर पे. अब अगर वो नहीं लगा सकते लेकिन उसने लगाया ठीक है, तो बेसिकली एक तरह का ब्रीच हुआ है ठीक है. सपोज मेरे साथ किसी का डील हुआ था कि तुम, मानो कि वो पहले मेरे दुकान में काम करता था और जब वो मेरे दुकान से काम करके निकल रहा है, मैं उसके साथ एक डील कर रहा हूँ कि तुम निकल सकते हो बट तुम मेरे सामने दूसरा दुकान भी नहीं लगा सकते ठीक है, ऐसा डील हो सकता है. या फिर कम से कम 5 किलोमीटर के आसपास में दुकान मत लगाना. जैसे पार्टनरशिप फार्म के केस में ऐसा रूल होता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फार्म से पार्टनर अगर छोड़ के जाता है तो वो पार्टनर सेम बिजनेस अगला 2 साल नहीं कर सकता, या फिर आसपास के 5-10 किलोमीटर के रेडियस पे या फिर सेम सिटी पे वो पार्टनर सेम काइंड ऑफ सर्विस का बिजनेस नहीं कर सकता. लेकिन मानो पार्टनर ने धोखा दिया ठीक है, धोखा देके एक दुकान खोल दिया, लेकिन इसके कारण मेरा कोई ऐसे प्रॉफिट लॉस ऐसा कुछ प्रॉपरली नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मेरे साथ किसी ने धोखा दिया और मैंने कोर्ट में जाके केस किया कि देखो भाई ये मेरे डील के एगेंस्ट में जाके किया, क्योंकि जब डील हुआ था तब उसने डील को माना था, जब डील हुआ था तब डील में एग्री करके साइन किया था, तो अब डील में क्यों वो ब्रिज क्यों कर रहा है. तो इस ब्रिज के बदले कोर्ट उसको एक प्यूनिट, माने बेसिकली एक नॉमिनल डैमेजेस बोल सकता है. माने नॉमिनल डैमेजेस क्यों, क्योंकि एक्चुअल में कोई गलती नहीं है ठीक है, तो लेकिन केस हार जीत का मैटर है, समझ में आ रहा है, केस का हार जीत का मैटर. जैसे बहुत केस में ऐसे होते हैं कि ये थोड़ा उल्टा केस है, जैसे मानो गवर्नमेंट के साथ ज्यादा होता है कि मानो 1 टका ज्यादा ले लिया किसी जगह में, ऐसा होता है कि मानो रेल का टिकट का कॉस्ट या समथिंग जिसका चार्जेस हार्डली 1 रुपी है, लेकिन किसी ने 1 टका एक्स्ट्रा चार्ज लिया, तो बहुत लोग जो थोड़ा लॉ का जानकार होते हैं जिनका सोर्स अच्छा होता है वो ना कोर्ट में केस लगा देते, तो फिर बाद में गवर्नमेंट के साथ उस बंदे का केस बनता है और उसके कारण गवर्नमेंट को उस 1 टका के बदले शायद उसको 50,000 1 लाख का फाइन भरना पड़ता है, ऐसा होता है. रूल तोड़ने के कारण कुछ भी डैमेजेस हो सकते हैं, लेकिन वो नॉमिनल डैमेजेस नहीं हुआ, वो मे बी प्यूनिटिव में चला जाएगा, पनिशमेंट की तरह हो जाएगा, लेकिन 1 टका के कारण भी बहुत सारा केस हो सकता है. और 1 टका में लोग बोले 1 टका में क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ठीक है. तो बेसिकली नॉमिनल डैमेजेस क्या है,
कि जहां पर कोर्ट एग्रीड पार्टी को लॉस सफर्ड के कारण कुछ भी कॉम्पेंसेट नहीं करेगा, लेकिन मिनिमम 1 रुपए का डैमेज क्लेम चार्ज करेगा। किससे? जो धोखा देता है उससे, बेसिकली उस केस को कंप्लीट करने के लिए। भाई 1 टका तुम इनको पे करो, ठीक है, और इसका मतलब ये है कि हाँ तुमने उसको धोखा दिया था, उसका कोई लॉस नहीं है वो अलग बात है, एक्चुअल में कोई लॉस नहीं है, बट एक नॉमिनल डैमेजेस देके यहाँ पर हर जीत डिसाइड हो, यहाँ तुमने धोखा दिया था, कोर्ट ये चीज माने। बात समझ में आ रहा है? नहीं? अच्छा, इतना 4 बार निकला तो कैसे थे हम? वैसे हम लोग इधर हाँ कैसे बोला जाता है, नॉर्थ इंडियन साइड, ये नॉर्थ इंडियन कल्चर है, मैंने बेसिकली वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया है, बट अगर भारत को तुम दो हिस्सों में बांटो तो भारत का मेनली दो ही हिस्सा होता है, नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया एंड साउदर्न साइड ऑफ इंडिया। तुम थोड़ा नीचे की तरफ जाओ, मैंने ओडिशा क्रॉस करके आंध्रा, तेलंगाना, चेन्नई, केरला, कर्नाटका, ये जो एरिया है साउथ इंडिया, साउदर्न इंडिया में अगर किसी को कुछ समझ में आता है ना, वो कैसे ही गाड़ी हिलाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, जैसे मैं वो भाषा नहीं आता, जैसे अन्ना अन्ना बोलते हैं वो लोग, है ना? हाँ अन्ना, ओके ना, ठीक है, ऐसे ऐसा करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को समझ में आता है हम लोग क्या करते हैं, हाँ ऐसा करते हैं ना, बट वो लोग करते हैं अन्ना, समझे? ठीक है, अब वो लोग हाँ को ऐसा करके बोलते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, साउथ इंडियन फैमिली से है लेकिन नॉर्थ इंडिया का है, लेकिन उसको पूछता था ना, क्या समझ में आया? तो मैं ऐसे हाँ ही बोल रहा है लेकिन घाड़ ऐसा हिल रहा है, हम लोग हाँ मतलब ऐसे समझते हैं, लेकिन साउथ इंडिया वाले हाँ हाँ मतलब ऐसे समझते, और हम लोग का ना का क्या होता है, नहीं नहीं समझना, ठीक है, बोलो हाँ को ऐसा करके बोलता है। जो भी हो, ये एक तरीका है, किसी जगह में देखने को मिलता है, समझना है ना? हाँ ऐसा, हाँ हाँ मैं सोचो कोई अगर ऐसा ऐसा करके हाँ बोल रहे तो क्या समझेंगे। अच्छा, एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस क्या होता है ये? हाँ ठीक है, बोल देते हैं, बोल दब रहे तो फिर बोल देते हैं, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए, बिकॉज कनेक्ट करने के लिए नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो कनेक्ट हो जाएगा। एग्जेम्पलरी डैमेज आर दोज व्हिच आर इन नेचुरल नेचर ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, द कोर्ट में अवार्ड दीज डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। समझ रहे सर? शादी तोड़ रहे हो आप, शादी करने का, जैसे तुषार तोड़ रहा था, शादी करने का वादा करके भाग गया, वह डैमेजेस शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल इंजरी। अब तुम जिस लड़की को धोखा दिया भाई, उसका क्या होगा? अब ये मेंटल इंजरी का लॉस क्या होता है, ये तो कोर्ट डिसाइड। हाँ बोलो सर। গট অফ অ্যাক্টেড যে হচ্ছে ড্যামেজেস গুলো আছে সেইগুলো কিভাবে কাউন্ট করা হবে? অ্যাক্ট অফ গট এর ড্যামেজেস, এগুলো আমাদের এখানে নরমালি বিজনেস লতে আসে না, এগুলোর জন্য মানে পিওর লতে এগুলো বলা হয় কি অ্যাক্ট অফ গট, মানে বেসিক্যালি ও বল রহা হ্যায় कि अगर नेचुरल डिस्ट्रक्शन के कारण जो लॉस होता है उसका क्या होता है, उसका बिजनेस लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, बट अगर है इसमें कितना, देखो हम लोग यहाँ पर लॉयर तो नहीं बन रहे, बिजनेस रिलेटेड मैटर को समझ रहे हैं, कि अगर मानो कि एक्ट ऑफ गॉड या फिर नेचुरल कारण से अगर कोई लॉस किसी को भुगतना पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में बिजनेस लॉ उसको वॉइड कर देता है, मैंने वॉइड इन द सेंस क्योंकि नेचुरल, बिकॉज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड दी पावर है ना, तो अगर बियॉन्ड दी पावर कोई चीज हो रहा है तो वो बेसिकली वॉइड हो जाएगा। हम लोग यही तो सीखे हैं, जैसे जो नेचुरल कारण से हो रहा है या फिर दोनों पार्टी में से किसी का उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े हैं, ठीक है, कि जो कंट्रोल के बाहर है तो उस केस में पूरा डील ही कैंसिल। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये अंकिता ने पूछा ऑनलाइन में कि सर अगर एक्ट ऑफ गॉड के कारण कोई किसी को लॉस भुगतना पड़ रहा है तो फिर इस केस में क्या होगा। सपोज मानो मेरा चीनी का फैक्ट्री है, किसका फैक्ट्री है, चीनी का फैक्ट्री, सबको चीनी खिलाऊंगा, शुगर कराऊंगा सबका, डायबिटीज कराऊंगा, ठीक है, तो मानो किसके साथ डील करें, तुषार के साथ, चल तुषार के साथ डील करते हैं, तुषार यहाँ से मेरे यहाँ से कोलकाता का चीनी के गोडाउन से देवघर, अपने देवघर लेके जाएगा, और वहां पर बाबा के इसके सामने, माने बाबा का मंदिर है ना देवघर में, वहां पर सामने सबको लड्डू पेड़ा बना के खिलाएगा, चीनी बहुत चाहिए होता है पेड़ा में, है ना, चलो अच्छा बात है, ठीक है, पेड़ा बनाओ और चीनी लगाओ। तो अब मेरे गोडाउन में बारिश के कारण पूरा गोडाउन डूब गया, मैंने गोडाउन थोड़ा लोअर साइड में था, मैंने लो लैंड में था मे भी, तो डूब गया, तो डूब जाने के बाद सब तो सरबत हो जाएगा, अगर पूरा बारिश में चीनी का बोरा डूब जाए तो सरबत होगा कि नहीं होगा, तो क्या करे, वो सरबत ही दे दे उसको, उसी में
मैदा वैदा डाल के, खोआ डाल के वो पेड़ा बना के लोगों को खिला देगा? नॉट पॉसिबल. अब मुझे बताओ, ये जो बारिश होगी, ये सब कुछ जो होने वाला है, लेकिन उसके साथ मेरा डील हो चुका था. लेकिन यहाँ पर जो बारिश के कारण जो मेरा गोडाउन इस तरह का हालत हुआ, ये तो एक्ट ऑफ गॉड के कारण है ना? तो ऐसे केसेस में अगर मैंने उससे पैसा लिया था, तो मेरे को पैसा उसको वापस कर देना पड़ेगा, और वो भी मेरे ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं लगा सकता. लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर बहुत सारी चीज देखा जाएगा. मैंने नॉर्मल केस में कि ये बारिश होगा, मेरा सारा चीज डूब जाएगा, ये सिचुएशंस ना तो उसको पता है ना तो मुझे पता है. पर जब ऐसा की सिचुएशंस होता है, तो बिजनेस लॉ हमें बस इतना बोलता है कि दोनों पार्टी को कोई अगर हाथ नहीं है इस चीज के पीछे, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, ठीक है? और पहले जैसा हालत बने, अगर मैंने उसे पेमेंट लेके रखा था, तो पेमेंट वापस कर देंगे, और मेरा जो लॉस हुआ है वो तो मेरा लॉस है. अगर इंश्योरेंस किया हुआ है तो मिलेगा. नॉर्मली जो लोग बड़े बड़े ऐसे डील करते हैं ना, गोडाउन का कारोबार करते हैं, वो लोग इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, क्या पता कब किसी कारण से कुछ हो जाए. लेकिन यहाँ पर अगर मानो मेरा इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस इन द सेंस, जैसे मानो मैंने गेट कीपर नहीं रखा, या फिर मैंने चीनी सेल कर दिया गोडाउन का, चीनी डील करने के पहले, लेकिन मैंने किसी भी तरह का सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं दिया. मतलब मेरा गोडाउन का एक सेफ्टी सिक्योरिटी होना चाहिए ना, कि अगर कभी बाढ़ आ जाए, अगर कभी आग लग जाए, तो इसका कुछ तो होना चाहिए, ठीक है? तो अगर कोर्ट ऑफ लॉ को लगता है कि ये जानबूझ के हुआ है, तो इन दैट केस अलग जजमेंट आ सकता है. बट अगर दोनों, अगर देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर इसमें मेरा नेग्लिजेंसी है, इग्नोरेंस है, तो कोर्ट ऑफ लॉ इसमें मेरे को पेनल्टी कर सकता है. लेकिन अगर मानो कोर्ट ऑफ लॉ को लग रहा है कि नहीं, इसमें क्या गलती दिख रहा है, ये तो बेसिकली नेचुरली हुआ है, जानबूझ के नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो. अंकिता बुझते पर ली, यस सर, ठीक है? तो जस्ट तुमने पूछा तो मैंने बताया. बाकी देखो, एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर बहुत सारे मूवीज वगैरह भी हुआ है ना, ठीक है तो मूवीज में अलग है अलग ওখানে देख, টাকা দিয়ে দিছিলো ঠিক ওএমজি যার জন্যই আমার মাথা এলো। মানে সমঝ গিয়া, তুম লোক মুভি কা হি সওয়াল কর রহে হো, তুম লোক কে দিমাগ মে তো এই সব আতা হ্যায়, ঠিক হ্যায়? চলো ঠিক হ্যায়, এক্সেম্পলারি ড্যামেজেস সমঝ গিয়া. তো আগর তুমনে মানো কিসি কা দিল তোড়া, ঠিক হ্যায়? दिल तोड़ने का सजा बहुत खतरनाक हो सकता है. वह डैमेजेस शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल इंजरी. पता नहीं सर, हमारे देश में तो मेंटल इंजरी का देखो, एक यहाँ पर ना कल्चर कल्चर का डिफरेंस है, ठीक है? इंडिया जैसे कंट्री में ना ये सब चीज पहले कभी नहीं था. मैं आपको जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, इंडिया में शादी तो पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था. आपको जात पता होना चाहिए. आजकल शादी होने से पहले रजिस्ट्री करवाते हैं हम लोग, है ना? चाहे लड़का हो या लड़की, लड़की वाले फैमिली तो पहले करते हैं. नहीं, जेनुइन जो रीजन है वही बता रहा हूँ, आप लोग पर्सनली मत ले लेना. आप लोग तो सब देखो स्टैंड अप लड़की बन रहे हो, मैंने अपने पैरों में खड़े होने वाले हैं वो सब, है ना? सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो आप लोगों को ये सब फर्क नहीं पड़ता. बट बहुत केस में क्या होता है कि लड़का वाला लोग धोखा देता है, तो फिर लड़की कहाँ जाए? तो पहले रजिस्ट्री करो, भले सोशल मैरिज बाद में हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता. रजिस्ट्री करने का क्या है कि वो धर्म पत्नी बन चुका है, प्रॉपर्टी में आधा अधिकार आ जाएगा. अगर बाय चांस वो धोखा दे भी देता है, अगर करोड़ों का संपत्ति है, तो 50 लाख वाइफ का, 50 लाख तुम्हारा जो रहेगा रहेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है? तो ये सब इनसिक्योरिटी सामने आ जाता है, ठीक है? अब ये प्रॉपर्टी को अधिकार का बात कहाँ से आ रहा है? ये सब तो यही सब दिल तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है ना. बट हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट पहले कभी नहीं था, क्योंकि हमारे देश में मैरिज को कभी कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं गया, इसीलिए डिवोर्स का भी कॉन्सेप्ट नहीं था. मैंने ये एक्चुअली इंडियन का जो कल्चर है वही मैं बता रहा हूँ. लेकिन जितना हम लोग सो कॉल्ड एडुकेटेड होते जा रहे हैं, सो कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? इसलिए आजकल शादी ब्याह में कॉन्सेप्ट क्या है कि शादी से पहले डिवोर्स का सोच लेता है. शादी हुआ नहीं है, स्पेशली अरेंज मैरिज के केस में, और लव मैरिज का केस तो अलग ही है, छोड़ो उसके मैं बारे बात ही नहीं करूंगा, ठीक है? मैंने अरेंज मैरिज के केस में स्पेशली पेरेंटल पार्टी, ठीक है, पहली सोच क्या पता अगर घर नहीं बसा पाया तो फिर डिवोर्स का केस होगा. अरे भाई, तुम घर बसाने के लिए शादी कर रहे हो कि घर तोड़ने के लिए शादी दे रहे हो? जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ऐसे मैं देखता हूँ, सारा दिन देखता हूँ, अपने फैमिली में भी देखता हूँ, दूसरों के फैमिली में देखता हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक कॉमन चीज बता रहा हूँ. आप लोग भी देख रहे हो यार, मैं अकेला नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? बट सोसाइटी ऐसा हो सर चुका है मेरा कि लोग क्वेश्चन है सोचते. कि हाँ बोलो सर. जैसे डिवोर्स के, हाँ सर, सर जैसे डिवोर्स के केस में क्या होता है ना, आजकल ज्यादातर देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए कि लड़की सॉरी लड़का का अगर कोई डिस्प्यूट हो, मतलब उसने कोई इलीगली कुछ काम किया, तो मतलब उसका जो स्पाउस है तो उसका राइट बनता है कि उसके ऊपर केस करे या फिर उसके ऊपर कुछ फिनेंशियल क्लेम्स कर सकता है. तो हाँ ये
ये चीज क्या मतलब दोनों पार्टीज के लिए एप्लीकेबल है? मतलब नहीं, मान लीजिए कि लड़की अगर मतलब जो उसका, मैं समझ गया, आई अंडरस्टैंड योर हाँ क्वेश्चन, चुप हो हाँ जा, सर, चुप हो जा। गौरव का क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन थोड़ा देखो नॉर्मल क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए वही आया है। जैसे आजकल क्या होता है कि शादी ब्याह, ऐसे देखो मैरिज लॉ हम लोगों का नहीं है, बट बेसिक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, एग्जाम्पल्स है तो बताना पड़ रहा है। ऐसे हम लोग मैरिज लॉ नहीं पढ़ रहे, बट बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बोला कि डैमेजेस का मैटर, जैसे नॉर्मली वो बोल रहे कि नॉर्मली शादी ब्याह के केस में जब डिवोर्स वगैरह होता है, ऐसे मेरे को डिवोर्स लॉ के बारे में या मैरिज लॉ के बारे में डिटेल्स नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। बट हाँ, एक मार्केट प्रैक्टिस जो हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि क्या चल रहा है। ज्यादा नॉलेज चाहिए, डिवोर्स लॉयर के पास जाओ, ठीक है? ये क्या हो सकता है? नहीं सीरियसली, जो मुझे पता नहीं है, मेरा फील्ड नहीं है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा तो चर्चा बिजनेस रिलेटेड है, उसके बारे में मैं थोड़ा समझता हूँ, जानता हूँ काफी ज्यादा चीज। आपको एक पूछोगे पांच बोलूंगा, ठीक है? बट उसका क्वेश्चन है कि नॉर्मली लड़का लोगों का कुछ प्रॉब्लम रहने से लड़की डिवोर्स भी करता है और डैमेज क्लेम भी करता है। तो जैसे मानो लड़का कुछ गलती किया, तो लड़का लड़की आके कोर्ट में बोलते कि ये मेरे को धोखा दिया है, मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो क्लेम। तो उसका कहना है कि अगर लड़की धोखा दिया तो क्या लड़की के अगेंस्ट में भी क्या सेम लॉ है? ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है, बट यहाँ पर आजकल जो लॉ या कोर्ट बेसिकली लेडीज को ज्यादा फेवर करता है, एंड इसके पीछे रीजंस है, क्योंकि सो कॉल्ड मेल डोमिनेटेड समाज इतना दिन तक लड़कियों को शोषण किया है, अपना मनमानी करवाया, जिसका फलस्वरूप आज के डेट में कोर्ट मैक्सिमम केस में लड़का लोगों का दोष ही देख लेता है, लड़की का दोष देख ही नहीं पाता। ये होना भी चाहिए। अब ये और 50-60 साल लगेगा, उसके बाद एक सेम काइंड ऑफ काम करे, माने अभी इक्वल नहीं है, अभी बहुत अनइक्वल, माने बायस्ड है। अभी कोर्ट में किसी भी प्रॉब्लम लेके जाओ, ऑलवेज केस फेवर करेगा लड़की, माने ये एक ऑटोमेटिक है, पता नहीं क्यों है, रीजंस इज देयर, कि मेरे को जो लगता है क्योंकि अभी तक मेल समाज जो करके आया है ना, उसका कारण है ये। समझ में आ रहा है? मेल समाज किया गया इतना सालों से, ठीक है? लड़की हो और घर के औरत की तरह रहो, है ना? ज्यादा पूछो मत, हम लोग लड़का लोग हैं, कुछ भी करेगा, है ना? फिर छोड़ो वो सब बातें, है ना? तो अब समझ रहे हो हाँ ना? सर, एक्चुअली मेरा मेरा पॉइंट भी वही था कि अगर लॉ होता, मतलब लॉ जो है वो तो इक्वल होना चाहिए ना हर किसी के केस में, लॉ तो ये इक्वल सर, होता है लॉ लॉ सबके लिए। इक्वल होना चाहिए, बट आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये समाज के ऊपर देख के ये चीज देखा जा रहा है, ये समाज अच्छा में एक कॉमन क्या चल रहा है, तो इसके कारण ऑटोमेटिकली लड़की को फेवर मिल जाता है। ये मैंने ऑब्जर्वेशंस बताया आपको, नहीं विवाद कुछ नहीं हो, क्वेश्चन उसका बहुत ही नॉर्मल था कि लॉ तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन देखा जाता है कि लॉ फेवर करता है लड़के को, एंड इसके रीजंस भी यही है। बट हाँ सर, अगर ज्यादा नॉलेज चाहिए आप कोई डिवोर्स लॉयर के पास जाओ, वो आपको शायद डिटेल समझा दे। सर, ये ये जो मेरा, आप बोल रहे थे डैमेज क्लेम कर सकता है, तो ये हाँ डैमेज क्लेम का कोई लिमिट तो होगा ना? मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई कुछ भी डैमेज, मांग लेगा। नहीं सर, डैमेज क्लेम का लिमिट के बारे में हम लोगों के बिजनेस लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे उसका माने कि डैमेज क्लेम करेगा, ठीक है? तो डैमेज क्लेम कितना करेगा, ठीक है? कितना डैमेज होगा ये जज डिसाइड करता है। लड़का फैमिली का, अगर मानो लड़की का दिल दुख रहा है, ठीक है, शादी के टाइम पे, तो लड़का फैमिली का क्या एसेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सिंपल बात है, ठीक है? ये कि संपत्ति ज्यादा है तो उसी के हिसाब से होगा, संपत्ति कम है तो उसके हिसाब से होगा, औकात के हिसाब से होगा भाई, ठीक है? इसका करोड़ों का संपत्ति है, करोड़ों के हिसाब से हिसाब बना जाएगा। बाकी मैं बोला ना सर, मेरा इतना एक्सपर्टीज नहीं है, मैं ज्यादा इसलिए नहीं। अच्छा चलो, ये वाला केस बोला था, रॉन्गफुल डिजनर ऑफ ए चेक, है ना? मानो किसी का, जैसे मानो कि अपना हर्ष एक बड़ा बिजनेस टाइकून है, ये बंदा मेरे को चेक दिया, ठीक है? बट मैंने जाके चेक जमा किया, उनसे मेरे को कुछ पैसा पाना था, पता चला इसका चेक बाउंस कर गया, ठीक है? तो बैंक ने मेरे को फोन करके बोल रहा है हर्ष ज्योति का चेक में बैंक में बैलेंस नहीं है, बट हर्ष ज्योति इज वन ऑफ दी रिचेस्ट पर्सन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है? तो हर्ष ज्योति चांगमाए रिचेस्ट मैन इन आसाम, ठीक है, रिचेस्ट मैन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये खबर मैंने छपा दिया कि मेरे को चेक दिया था और बैंक में पैसा नहीं है, तो पूरा इंटर नॉर्थ इंडिया में खबर मिल गया कि चांगमाई साहब का क्या हुआ, क्या वो गरीब हो गए, क्या वो बैंकरप्टेड हो गए, अब न्यूज़पेपर में आ गया, ठीक है? अब मानो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो, हाँ ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का विजय मान लिया। अब जब चांगमाई साहब का जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है,
फॉरेन इन्वेस्टर्स इनके बिजनेस में पैसा लगाने से पहले 10 बार, हे व्हाट हैपेंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, व्हाट्स हैपेंड देयर, व्हाई चांग माई चेक इज बैंक बाउंसेस, व्हाई, तो ऐसा करके वो लोग क्या करेगा, सिंपल पेमेंट मैंने उनका इन्वेस्टमेंट बंद कर देगा, ठीक है, तो रातों रात उनको बहुत लॉस हो सकता है, समझे? तो ये लॉस कैसे भरपाई होगा, गुडविल डैमेज हो रहा है ना, तो ये सब केस में अगर ये दोष बैंक का है, अगर ये दोष बैंक की तरफ से है, क्योंकि ये चंगमाई ने नहीं किया, ये बैंक की तरफ से हुआ है, समझे, उसका टाइटल है चंगमाई, सही बोला ना? द रॉन्गफुल डिजाइनर ऑफ ए चेक बाय ए बैंकर इन केस ऑफ ए रॉन्गफुल डिजाइनर ऑफ ए चेक, द रूल इज स्मॉलर द अमाउंट ऑफ द चेक, लार्जर विल बी द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, और चेक का अमाउंट कितना भी सही मैंने छोटा हो, बट डैमेजेस बड़ा हो सकता है, क्यों? क्योंकि किसी बिजनेसमैन के गुडविल पे आघात लगा, समझे? हो सकता है चेक का वैल्यू 100 टका हो, ठीक है, तो क्या 100 रुपये का चेक होगा तो क्या 100 रुपये का पेनल्टी लगाया जाएगा? नहीं, माने वो तो और खतरनाक बात होगी ना कि चंगमाई के अकाउंट में 100 रुपया नहीं है ड्यू टू बैंक फेलियर, ठीक है, तो इसके कारण चंगमाई माने हर्षज्योति का कितना बड़ा बदनाम हो सकता है, ये 100 रुपीज नहीं है इनके अकाउंट में, समझे? तो ये सब केस में कोर्ट क्या करता है, एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेज देता है, सेम नाम है सर, याद रहेगा, एग्जेम्पलरी माने बेसिकली एक एग्जाम्पल सेट करना, एग्जेम्पलरी माने एक एग्जाम्पल सेट करना कि आगे से बैंकर को सोच समझ के काम करना चाहिए, माने कुछ भी अनप सनप नहीं बकना चाहिए, माने बहुत समझ के काम करना चाहिए, जैसे बहुत केस में बैंक क्या करता है देखना कि तुमने एक अकाउंट नंबर दिया पैसा जमा करने के लिए, वो तुम्हारे अकाउंट में पैसा ना डाल के किसी और के अकाउंट में डाल दिया, फिर जब तुम जाके बोलते हो कि मैंने पैसा जमा किया मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, ठीक है, फिर गलती उसने किया है, पर हम लोगों को ही चिल्लाते आज नहीं आई है, कल आई है, परसों आई है, समझे? तो ये सब केस में कौन भरपाई करेगा, समझा? ये लोग बोले छिलाम तो, अरे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मींस डिमांडिंग द कोर्ट डिडक्शंस टू द डिफॉल्टिंग पार्टी टू कैरी आउट द प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। चलो क्या बताते हैं, देखो, केसेस वेयर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज मेंटेनेबल वेयर एक्चुअल डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच आर नॉट मेजरेबल, माने ब्रीच के कारण जो लॉस हो रहा है वो एक्चुअली मेजर नहीं हो पा रहा है, मेजर माने कितना लॉस है समझ में नहीं आ रहा है, और वेयर मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, और जहां पर मॉनेटरी जो कॉम्पेंसेशन है वो पर्याप्त नहीं है, माने एडिक्वेट माने जिसको बांग्ला में बोलता है सर यथेष्ट, बांग्लादेश वाले यथेष्ट, हिंदी में अच्छा हिंदी में बोलते हैं पर्याप्त, पर्याप्त समझते हो ना कि काफी है ना, जैसे उर्दू में बोलते हैं काफी, कितना भाषा जानता हूं मैं यार, कभी कभी आ जाता है दिमाग में, ऐसे तो मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है बट कभी हाँ, तू बस मेरे को टोंटिंग कर दे रहा है पर मॉनेटरी कंपेंसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, ठीक है, एक एग्रीड टू सेल एन ओल्ड पेंटिंग टू वाई फॉर ₹50,000, पुराना पेंटिंग 50,000 में बेचना चाहा, सब्सिक्वेंटली एक्स रिफ्यूज टू सेल द पेंटिंग, पहले बोला हाँ फिर बोलता है ना, ठीक है, हियर वाई मे फाइल ए सूट अगेंस्ट एक्स फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, केसेस वेयर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नॉट मेंटेनेबल, माने अगर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो केस है अगर मेंटेनेबल नहीं है तो क्या होगा, मेंटेनेबल माने कोर्ट में, मेंटेन कहाँ होगा, कोर्ट में, देखो लॉ क्या बोलता है, बोलते हैं कि वेयर द डैमेजेस आर कंसीडर्ड एज एन एडिक्वेट रिमेडी, माने यहाँ पर क्या डैमेज है, डैमेज के बारे में कुछ बताना पॉसिबल नहीं है कि मैंने इसमें कौन किसको कितना धोखा दिया या फिर उसमें क्या फाइनेंशियल लॉस है, ये कहना अगर पॉसिबल नहीं है, क्या बोलते हैं, वेयर द डैमेजेस आर कंसीडर्ड एज एन एडिक्वेट रिमेडी, ठीक है, अगर डैमेजेस एडिक्वेट है तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सनल नेचर, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी पर्सनल नेचर का हो गया ना, शादी वगैरह तो पर्सनल नेचर का है, तो ये सब केस मेंटेनेबल नहीं हो पाता बिजनेस में, वेदी कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय अ कंपनी बियॉन्ड इट्स पावर्स एज लेट डाउन इट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप लोग जब कंपनी लॉ का बेसिक्स का क्लास कराऊंगा तो उस टाइम पे ये पढ़ाऊंगा सर, ठीक है, कंपनी लॉ बेसिक्स में ही आता है, आप लोगों को फाउंडेशन लेवल में वही कंपनी लॉ है और इंटरमीडिएट लेवल में वो बेसिक्स माना जाता है, ठीक है, तो कंपनी लॉ बेसिक्स में ये चीज आता है कि एमओए एंड एओए बोल के कंपनी का दो बुक आता है,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आपको कंपनी फॉर्म करना है तो पहले आपको एमओए एंड एओए बनाना पड़ेगा। इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी एंड रूल बुक ऑफ द कंपनी। तो एमओए इज कॉल्ड द रूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी क्या है, क्या काम करने आया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना शेयर कैपिटल डिटेल्स है, सारा फाइनेंशियल डिटेल्स, लीगल डिटेल्स सब कुछ उसके अंदर रखता है। उसी के बाद ही कंपनी आगे चल पाए। तो एक कंपनी अपने एमओए के बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकता। सपोज तुमने एमओए में लिख के रखा झाड़ू मारने का कंपनी है, क्या कंपनी है, झाड़ू मारने का कंपनी है, तो झाड़ू मारने का कंपनी है तो झाड़ू ही मारेगा। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में झाड़ू मारना ही आपका काम है, ठीक है, तो आप झाड़ू ही मारो, पोछा नहीं लगाओ। अगर पोछा लगाना है तो मेमोरेंडम में ऐड करना पड़ेगा कि हम झाड़ू भी लगाते हैं पोछा भी लगाते हैं। बर्तन भी धोता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आप लोग पेटीएम को जानते हो, है ना, ऐसे ये सब कंपनी लॉ का डिस्कशन है, बट ज्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप जस्ट पॉइंट पे बता रहा हूँ। कंपनी लॉ में जैसे मानो पेटीएम, पेटीएम जब फर्स्ट टाइम आया था 2003-04 में आया था, उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। आजकल हम लोग रिजल्ट आउट होता है ना, तो रिजल्ट आउट का एक वेबसाइट का कॉन्सेप्ट आ चुका है, कंपनी अपने वेबसाइट में डाल देता है, बट पहले ना ऐसे कोई वेबसाइट नहीं होता था, तो वेबसाइट ना ये पेटीएम ही चलाता था। इंडिया में जितना भी नेशनल लेवल एग्जाम होता था उसका रिजल्ट चेक करने का जो वेबसाइट होता था वो सारा वेबसाइट यही मेंटेन करता था, ठीक है। हम लोग मैसेज करके रिजल्ट जानते थे, है ना, पता है आपको, हम लोग के टाइम पे था, एसएमएस करके रिजल्ट पास फेल पता चलता था, ठीक है। जैसे एग्जाम का रिजल्ट आउट हुआ, स्कूल में अभी तक टंगाया नहीं, ऐसे स्कूल में आते हैं ना, ठीक है, स्कूल में तभी तक उसको पेस्ट नहीं किया, तो स्कूल में जाने से पहले या कॉलेज में जाने से पहले हम लोग को रिजल्ट का बड़ा चिंता, क्या हुआ क्या हुआ। इवन जैसे ही बोल दिया कि रात 12 बजे होगा या सुबह 6 बजे होगा, उसके बाद से एसएमएस चलता था, एसएमएस कर, एसएमएस कर। किसी किसी का एसएमएस आता ही नहीं था, पैसा 5 टका 4 टका करके एसएमएस चार्ज करता था, पर रिजल्ट के लिए लोग करता था, ठीक है। तो ये सब जो पब्लिशिंग कॉन्सेप्ट है ये सब पेटीएम चलाता था और उसके थ्रू से उसको पैसा मिलता। तो बेसिकली वो पहले रिजल्ट आउट पब्लिशिंग एक कंपनी, तो बाद में ये एक पेमेंट बैंक कंपनी बना, वॉलेट कंपनी बना, यूपीआई कंपनी बना, ठीक है, रेल का टिकट, प्लेन का टिकट, मूवी टिकट, इवेंट टिकट, है ना, हर चीज बुक होता है, गैस का बिल भी भर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकता है, क्या क्या नहीं करता है। तो जो भी ये करता है अपने ऑब्जेक्टिव में डालना पड़ता है, अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं है तो नहीं कर पाए, समझे। इसलिए मैं बोला कि झाड़ू लगाने का कंपनी है तो झाड़ू ही लगाएगा, झाड़ू के बियॉन्ड जाके नहीं कर सकता, समझे। तो यार केसेस वेयर सूट फॉर स्पेसिफिक पर्पस नॉट मेंटेनेबल, जहां पर केस मेंटेन करना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वही चीज यहां पर बोला है। व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय अ कंपनी बियॉन्ड इट्स पावर एज लेड डाउन इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कोर्ट के पावर में या नहीं आ रहा, कोर्ट बोल ही नहीं पा रहे कि क्या सुपरवाइज करेगा, कि क्या परफॉर्मेंस करेगा, ना सिचुएशन ही ऐसा है, ठीक है। वेयर वन ऑफ द पार्टीज इज अ माइनर, अगर एक पार्टी माइनर है तो वॉइड हो जा रहा है ना, माइनर से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाता। And where the contract is inequitable to either party, it's not, मतलब दोनों पार्टी के लिए प्रॉपर नहीं है, इक्विटेबल सिचुएशंस में नहीं है, कुछ तो इधर उधर है, तो ये सब मेंटेनेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सब केस में क्या बोलते हैं, केसेस वेयर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज मेंटेनेबल, जहां पर एक्चुअल डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच आर नॉट मेजरेबल, एंड सेकंड पॉइंट है वेयर मैनेटरी कंपनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, जैसे कि एग्जाम्पल था एडिक्वेट रेमेडी नहीं था, समझे, माथा में जाएगा ना सर। ये था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, कोर्ट का डायरेक्शन, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांडिंग द कोर्ट डायरेक्शंस टू द डिफॉल्टिंग पार्टी टू कैरी आउट द प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, माने कोर्ट उस केस में एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोलता है कि आप ये करो, माने क्या करना है, लॉजिक कुछ नहीं है, कोर्ट जो बोलेगा वही करना, स्पेसिफिकली बोले। जैसे इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि भाई नहीं, इतना लॉस मांग क्लेम हो सकता है, स्पेशल लॉस क्लेम हो सकता है, एग्जेम्पलरी डैमेज क्लेम कर सकता है, फिर नॉमिनल डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ये सब कुछ भी नहीं आ रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट बोल देगा, समझे। जब मैटर मेंटेनेबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है, या एडिक्वेट रेमेडी पॉसिबल नहीं, ये सब सिचुएशंस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट बोलता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोल दिया तो बोल दिया। अब देखो लॉ का क्लास है, बहुत सारा कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो इंडिया का रिसेंट ट्रेंड में दो कॉन्ट्रोवर्शियल हिंदू मुस्लिम केस, एक तो हिंदू मुस्लिम का केस है और एक है ओनली मुस्लिम वाला। आप लोग इसको लेके झमेला मत करना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। सर आप बोलते ही क्यों, सर क्या है ना, बोलने से झगड़ा नहीं होता है, चीजें नॉर्मल होता है,
नॉर्मल होता है। हम लोग ये जो इतना दबा के रखते हैं ना, दबा दबा के झगड़ा होता है, एक दिन ऐसे उसके कारण ऐसा हुआ है। नॉर्मल करो चीजों को, समझने का कोशिश करो। एक है राम मंदिर केस, अयोध्या राम मंदिर, और दूसरा है आपका ट्रिपल तलाक। ठीक है, एक मुस्लिम अपने बीच में ही लड़ाई लड़ा मुस्लिम सोसाइटी के अगेंस्ट में, और एक हिंदू मुस्लिम का लड़ाई। तो ये दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ट्रिपल तलाक जो सायरा बानो एक साउथ इंडिया की एक लड़की ने खुद ही अपने समाज के अगेंस्ट में जाके ये केस लड़ा। ठीक है, मैंने इतना दिन से, इवन ट्रिपल तलाक का केस वर्ल्ड के और भी मुस्लिम कंट्रीज में बैन हो चुका है, बट भारत में अभी तक बैन नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज भारत में मुस्लिम बहुत पढ़ा लिखा परसेंटेज कम है, ये मेन रीजन है। इवन पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम देशों में भी ट्रिपल तलाक बैन है, लेकिन भारत में ये प्रैक्टिस चल रहा था। 3 बार व्हाट्सएप में तलाक 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 लिखने से तलाक हो जा रहा है, झगड़ा हो रहा है मियाँ बीबी पे, तलाक तलाक तलाक। अगर मियाँ बोल दिया बीबी को तो तलाक, बीबी मियाँ को तलाक नहीं दे सकता, मियाँ ही बीबी को तलाक 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 बोल के तलाक दे रहा था। मैंने ऐसे सोसाइटी में बैड प्रैक्टिसेस था, सभी लोग गलत नहीं करता था, लेकिन अगर एक भी करे तो क्यों करेगा, समझ में आ रहा है? तो मुस्लिम औरत का डिग्निटी को लेके क्वेश्चन हो रहा था, और जो भी एडुकेटेड हो रहा था उनको लग रहा है कि ये सब रूल क्यों होना चाहिए, है ना? अब जो लोग देखो इलिटरेट लोग क्या होते हैं ना, जो थोड़ा मूर्ख होते हैं या फिर जो समाज में जितना खराबी है ना उसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदू में सती दाह प्रथा एक टाइम पे बहुत चला था। ठीक है, अगर मर्द मर जाए, माने हस्बैंड अगर का डेथ हो जाए, तो औरत को उसके ऊपर चिता में जाम लगाना पड़ता था। ये प्रैक्टिस बहुत दिन पहले बंद हुआ है, लेकिन फिर भी जो था वो था। लेकिन ये क्या सच में था? नहीं सर, ये मेडिवल पीरियड में समाज में जब इलिटरेसी बढ़ता गया, हमारा समाज ये ब्रिटिश पीरियड में ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि उस समय में इंडियंस का एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू में ऐसा था, कभी नहीं था। अगर तुम हिंदू विदुषी नारी, विदुषी नारी समझते हो, ठीक है, एडुकेटेड हिंदू वोमेन्स का अगर तुम वैदिक टाइम का अगर डेटा पढ़ोगे, उस टाइम का वोमेन इतना एडुकेटेड होता था कि नॉलेज पे वो लड़का लोगों को इक्वल, जैसे आज हम लोग इक्वालिटी का बात करते हैं ना, तो वैदिक समय का नारियों के बारे में थोड़ा पढ़ा करो तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम का विदुषी नारी बोलते हैं उनको। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ा करो तो उनको पता चलेगा कि वो लोग कितने एडुकेटेड हुआ करते। और इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको देता हूँ, आज भी हम लोग का जितना गॉड है, जिसको हम लोग सो कॉल्ड मिथोलॉजिकल कैरेक्टर बोलते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन उन्हीं के नाम पे करते हैं। सोचो जरा, हाँ, हिंदू कितना, भारत का लोग कितना बर्बाद सोच वाला है, जिसको लेके सेलिब्रेट करते हैं वो मीथ है। तो मीथ का सेलिब्रेशन कौन करता है भाई? मीथ है तो फिर हैरी पॉटर पढ़ा करो, वो मीथ है। मीथ है तो एनाकोंडा मूवी देखा करो, मीथ है। मीथ को लेके सेलिब्रेशन कौन करता है? पूजा उपास कौन करता है? मीथ को लेके थोड़ी करता है। कुछ तो है, शायद हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये नहीं वो मीथ है, मेरे नॉलेज के परे है। मैं माँ काली को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं माँ दुर्गा को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं सरस्वती भगवान को समझ नहीं पा रहा हूँ, लक्ष्मी जी को समझ नहीं पा रहा, इसका मतलब मीथ है। तुम जितना गॉडेस है तुम चेक करो, मैक्सिमम हम लोग औरत लोगों का ही पूजा करते हैं। क्यों? कभी सोचते नहीं, वो अलग बात है, बट देयर मस्ट बी समथिंग। और ये प्रथा आज नहीं चले आ रहे हैं। माँ काली कहते हैं ऐसे करके जीभ निकला हुआ है उसका पूजा होता है, क्या रीजन है? कभी देखो तो, कभी कभी रीजन से नहीं पूछा, नहीं मीत है, होता है, चले आ रहे हैं, करते हैं। तो बोलते हैं, इसे पूजा जा, हमको समझे पता नहीं, मूर्ख लोग करते हैं पूजा। भाई इतना नॉलेजेबल चीजें हैं ना, ये हम लोग का सो कॉल्ड एडुकेशन बता ही नहीं सकता। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, उसके अंदर इतना विद्या छुपा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड का ज्ञान मिलता है, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा तुम एक चीज बताओ, अगर मैं ये सब ढंग से बोल रहा हूँ, एक छोटा, मैं ज्यादा नॉलेज मेरा नहीं है, छोटा सा प्रमाण देने से आपको समझ में आएगा। आज से अप्रोक्स 500 ईयर्स बैक, 500 साल पहले नासा था, नासा था, नासा का एग्जिस्टेंस था। नासा कितने दिन पुराना है? 100 ईयर्स भी नहीं हुआ है नासा, चेक करना नासा की वेबसाइट में, आई थिंक अराउंड 1930s 40s होगा। अब आपको एक छोटा सा प्रमाण देता हूँ, 500 ईयर्स बैक तुलसीदास रामायण लिखा था, रामचरित मानस। मैं आपको रामायण का क्लास नहीं दे रहा हूँ, एक प्रूफ दे रहा हूँ। उसमें उन्होंने हनुमान चालीसा का रचना किया था,
हनुमान चालीसा पाठ करते नहीं करते डजेंट मैटर, मेरे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जो पाठ करे वही धार्मिक है, जो नहीं करे वो धार्मिक, ऐसे में नहीं बनता। लेकिन तुम अगर हनुमान चालीसा पढ़ोगे कभी, उसमें एक लाइन है, लाइन ऐसा है, युग सहस्र योजन पर भानो ले लेता है मधुर भल जान। जस्ट पुट इट इन गूगल, युग सहस्र योजन पर भानु, नासा ने इस युग सहस्र योजन पर भानु, भानु माने सूरज, और युग सहस्र योजन इसको जब कैलकुलेट किया एज पर आवर इंडियन वैदिक कैलकुलेटर, तो नासा ने जो कैलकुलेट करके इन यहां से सूरज का डिस्टेंस बताया, सेम डिस्टेंस आज से मे बी 3000 ईयर्स बैक, मे बी 5000 ईयर्स बैक, जब वेद लिखा गया था तब से ये डिस्टेंस है। कैसे आया? तुलसीदास ने तो बस इसको रिपीट किया। मजाक नहीं कर रहा, आप गूगल करके देख सकते हो, सेम टू सेम है, सेम टू सेम। आज के डेट में हम लोग जा रहे हैं सूरज में जाके नाप क्या रहे, फीता लगा रहे क्या? कुछ तो है भाई। अच्छा ये हम लोग आजकल कब हाई टाइड कब है, लो टाइड कब है, ये सब भी नासा बताता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो घर घर में देखना, हिंदू फैमिलीज में पंजिका होता है, ठीक है। पंजिका में जो बहुत पहले से लिखा हुआ है, नासा तो कल होगा कब वो आज बताता है, लेकिन हमारे पंजिका में ये सब पहले से लिखा हुआ है कि कब हाई टाइड आएगा, कब लो टाइड आएगा, किस दिन पूर्णिमा है, किस दिन अमावस्या है, माने फुल मून डे, हाफ मून डे, लो नो मून डे, सब पहले से लिखा हुआ है। हाउ कैन इट पॉसिबल? तो इसलिए ना कि जो समझ नहीं आता उसको मीत बोल के डिसरेस्पेक्ट करना, ये जो प्रैक्टिस चालू हुआ है ना, इसको लेके सोचने का टाइम है। कुछ समझे आप? अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं कोई भी चीज किसी को थोपना नहीं पसंद करता, मैं सच्चाई बोलता हूँ, प्रूफ के साथ बोलता हूँ, किसी को जानने का मन करे वो खुद जाने, नहीं ये मेरा फंडा है। मैं किसी को जबरदस्ती कोई भी चीज समझाना नहीं चाहता, ठीक है, कि नहीं नहीं सर आप जबरदस्ती बता रहे हो, कहाँ जबरदस्ती बता रहे हो, मैं तो प्रूफ के साथ बोला, आप जाके चेक करो। इसका मतलब, मेरा इतना कहने का मतलब है कि कुछ चीजें जो समझ के परे होते हैं, ऐसा मतलब ये नहीं कि हमारा नॉलेज में नहीं है तो वो सब मीथ है, इट्स नॉट लाइक दैट। चलो ठीक है, अच्छा सूट फॉर इंजंक्शन पे बात करते हैं। अच्छा मैं एक्चुअली ये पॉइंट क्यों उठाया था, ये राम मंदिर को लेके, एक्चुअली इस पॉइंट को लेके बात, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फेवर में बात किया है ना, लेकिन इसमें राम मंदिर वहां था कि नहीं था इसको लेके भी बहुत बात हुआ था। बाबरी मस्जिद था वो तो दिख रहा था, आंखों देखी जो है वो है, लेकिन बाबरी मस्जिद के नीचे क्या है वो कौन देख पा रहा है? अगर देखना है तो फिर बाबरी को गिराना पड़ेगा, लेकिन उसको गिराना ही तो अपने आप में कॉन्ट्रोवर्सी। लेकिन अब इसका प्रूफ देने के लिए भारत का एक सन्यासी है, उनका नाम है, नाम भूल रहा हूँ, छोड़ो अभी बाद में बोलते हैं, नाम भूल रहा हूँ, अभी जिंदा है मोटा करके, हाँ हाँ दोनों आंख में देख नहीं पाते, राम भद्राचार्य उनका नाम, आचार्य राम भद्राचार्य, ठीक है। किताब तो लिखा है बाद में, लेकिन उन्होंने जैसे जैसे बोला था, और ये सुप्रीम कोर्ट पैनल को बोला, कोई किसी ऋषि मुनि के सामने जाके नहीं बोला, या सो कॉल्ड हिंदू लीडर्स के सामने जाके नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके एक एक श्लोक के थ्रू से कि कहाँ राम का जन्मभूमि है, किस पोजीशंस पे हैं, कितने दिशा में हैं, सब कुछ एग्जैक्टली जैसा बोला वैसा खोड़ा गया, और एग्जैक्टली वहीं पर राम का आइडल मिला। उनका एज अभी 75 साल के, और ये घटना घट के अगर बाबरी मस्जिद आया बाबर के टाइम पे हुआ था 500-700 साल पहले, उसको जब नीचे से निकाला गया तो एग्जैक्टली वही मिला। इसलिए जो मुस्लिम लॉ बोर्ड थे वो लोग भी और कुछ नहीं बोल पाए, सब चुप, भले ही हम लोग बात भी बात करते, क्या ये उचित है मुस्लिम का एक मस्जिद को गिरा के एक हिंदू का मंदिर बनाना, कोई उचित है? देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सी, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। तो किसी किसी ने एक बार बाल ठाकरे जी को पूछा गया था, बाल ठाकरे महाराष्ट्र का बहुत फेमस नेता था, ठीक है, ठाकरे, हाँ, तो उनको पूछा गया था कि अच्छा हम लोग बचपन से जानते कि अयोध्या में ही राम जी का जन्म है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं, तो उनको जब पूछा गया कि आपको कैसे मालूम कि अयोध्या में ही राम जी का जन्म है, तो उन्होंने सिंपल जवाब दिया, नहीं मक्का मदीना में हुआ है। अगर मोहम्मद जी का सारा चीज मक्का में हो सकता है, मदीना में हो सकता है, तो राम जी का चीज ऑब्वियसली मक्का मदीना में नहीं होगा, भारत में ही कहीं होगा।
इसको बहुत बताने में इतना कंट्रोवर्सी क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट कहीं कभी ना जजमेंट के बारे में बता रहा हूं मैं आपको कंट्रोवर्सी इसलिए बताया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट इतना आसान नहीं होता है, तो कभी कभी वो हर चीज का प्रूफ तो पॉसिबल नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है, तो कभी कभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी वो बताते हैं। ऐसे भी मैं बहुत बड़ा बात कर दिया आपको। प्रॉब्लम यही है सर, सच्चाई हम लोग जानना नहीं चाहते, नहीं प्रॉब्लम, सच्चाई से जितना मुंह मोड़ते रहेंगे उतना हम लोग पीछे ही जाते हैं। नहीं गाढ़ा मुद्दा उखाड़ के क्या होगा, गाढ़ा मुद्दा उखाड़ के कुछ होगा नहीं, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। अच्छा शूट फॉर, एक सेकेंड, कहाँ चला गया है, कॉन्ट्रैक्ट में आ गई, कितना इधर उधर हो गया मेरा पेज। शूट फॉर इंजंक्शन, ये बताने वाला था ना, इंजंक्शन क्या है? चलो थोड़ा मैं कॉन्ट्रोवर्सियल बोल दिया, आपको समझ में आ रहा है ना, थोड़ा गंभीर हो गया आप? नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता, जस्ट आपको मैं कुछ चीज बताया, ठीक है, कि कब बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा होता है उसमें डिसीजन देना कितना कठिन होगा बोलो, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है, बिजनेस चीजें हैं, हम लोग का सीएसएम सीएस लेवल में इतना भी मुश्किल मैटर नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर डिसीजन देना कॉम्पिटेटिवली पॉसिबल है, लेकिन जब सामाजिक विषय हो, ऐतिहासिक विषय हो, इसमें डिसीजन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। सूट फॉर इंजंक्शन मीन्स डिमांडिंग कोर्ट स्टे ऑर्डर। इंजंक्शन का मतलब होता है रोक लगाना, क्या लगाना? रोक लगाना। जैसे यहाँ पर एक डब्ल्यू एग्रीड टू सिंग एट एल्स थिएटर ओनली ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड डब्ल्यू मेड कॉन्ट्रैक्ट विद जेड टू सिंग एट अनदर थिएटर एंड रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद एल। इट वॉज हेल्ड दैट डब्ल्यू कुड बी रिस्ट्रेंड बाई इंजंक्शन फ्रॉम सिंगिंग फॉर जेड, ल्यूमली वर्सेस वेगनर, ये केस बना था। मैंने अगर मानो किसको सिंगर बनाया, हर्ष बनेगा सिंगर, तेरे को नींद आ रहा है बहुत, तेरे को बहुत नींद आ रहा है ना, तबीयत खराब कर रहा है, एसी ऑफ कर दे, छोड़ दो क्या? हाँ सिंगर गाना गाता है सच में, सुना ना मेरे को एक दिन, ना ऐसे सरस्वती पूजा के दिन हम लोग क्लास में ये सब सिचुएशन रख, पूजा के दिन आना सब कोई, ऐसा देरी है अभी, लेकिन सरस्वती पूजा में हम लोग ये सब रैंडम चीजें करते हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं जितना सब गाओ, अभी नहीं। चलो मैंने, चलो स्नेहाशीष तेरे शादी में गाना गाने के लिए तूने बुक किया, ठीक है, तेरे शादी में स्नेहाशीष को तूने गाना गाने के लिए बुक किया, पूरा का पूरा एकदम बुकिंग कर दिया, लेकिन स्नेहाशीष ने पता चला कि हर्ष का, हर्ष रिच है ना ज्यादा, तो हर्ष की शादी में गाना गाएगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो तेरे को कुछ ना बोल के चुपचाप वो आसाम चला गया देवघर जाने के जगह। हाँ मान ले उसको बाद में पता चला, लेकिन आसाम जाके उसका उसका जैसे अंबानी जैसा शादी होगा ना, ठीक है, प्री वेडिंग, ठीक है, एक और प्री वेडिंग, फिर अभी प्री वेडिंग बचा हुआ है, अभी पोस्ट वेडिंग होगा, ठीक है, तो अंबानी जैसा शादी होगा क्योंकि वो रिच बंदा है भाई। तो पॉइंट इज, अब ऐसे सिचुएशंस में तो तुम्हारा देवघर वाला वो 10,000 का गाना गाने कौन जाएगा जब 10 लाख का ऑफर मिल रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे सिचुएशंस में वो तुम्हारे वहां पर छोड़ के उधर जा रहे हैं, लेकिन इन द मेन टाइम तुम क्या कर रहे हो, कोर्ट में जाके केस कर रहे तो चार्ज हो गया तो कभी भी बंद हो जाएगा, मैं आपसे बैकअप प्लस लेके देख लूंगा। ओके सर, ओके, ठीक तो ठीक है सर, अब ऐसे सिचुएशंस में तुम उसके अगेंस्ट में क्या लगाओगे, इंजंक्शन लगाओ, तुषार के पास राइट है क्योंकि यहाँ पर स्नेहाशीष क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है तुमको, एग्रिप्ट कौन है तुम, ठीक है, तेरे साथ धोखा हो रहा है, तो तू इंजंक्शन लगाएगा, क्या इंजंक्शन लगाएगा कि हर्ष के पार्टी में भी वो गाना नहीं गा सकता, समझे? ऐसा सिचुएशन हमारे देश में एक बहुत खतरनाक एक घटना घटा था, आप लोगों का बहुत पसंदीदा एक एक्टर होगा, मेरा भी था, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। बॉलीवुड में जैसे सब तो बड़े बड़े फैमिली से हीरो है, लाइक
उनको बोलो कि अगर चाहे तो आके बैठ सकते हो, ठीक है छोड़ो। अच्छा तो बोल दे एक बार कि अगर चाहो तो बैठ सकते हो, नहीं तो क्लास के बाद सर बात। तो पॉइंट क्या है कि सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था, ऐसे इंजंक्शन का ये केस है। सुशांत सिंह क्योंकि किसी नेपोटिज्म का तो केस नहीं है उनका ना, वो खुद अपने आप को बनाया था, बिहार का लड़का उधर जाके अपना अपना करियर बनाया। यस सर, ठीक है, या ट्रिपल इंग्री, तो उन्होंने अपने दम पे करियर बनाया। लेकिन ये रणबीर कपूर है ना, ये रणबीर सिंह या जो भी, सब नेपोटिज्म से ही इंडस्ट्री में पहुंचा है। मैक्सिमम सबका अपना अपना टैलेंट है, मैं टैलेंट पे बात नहीं कर रहा, लेकिन ये लोग जो लोग नेपोटिज्म के थ्रू से मार्केट में हैं, फैमिली रिलेशन में, वो लोग एट ए टाइम में 4-5 मूवी में साइन करता था। सुबह इनका शूटिंग करता है तो शाम को उनका शूटिंग करता है, ठीक है, इन पे कोई इंजंक्शन नहीं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि उसका कोई गॉडफादर नहीं है ना, तो उसका पापा माँ कोई फैमिली नहीं है, तो उनको अगर कोई मूवी में साइन करवाता था, और मानो वो मूवी का शूटिंग 6 महीना चलेगा, तो इस 6 मंथ्स में मानो काम उतना फ्लो में नहीं हो रहा है, तो वो बोलता था कि मेरे को थोड़ा बीच में मौका दे दो, और भी अगर कोई मेरे साथ शूटिंग करना चाहता तो बीच में वो भी कर दो, क्योंकि बाकी लोग भी तो करता है। तो सुशांत को ये सुविधा नहीं मिलता था, जस्ट बिकॉज उसका कोई नहीं, बिकॉज वो उस तरह का फैमिली बैकग्राउंड से नहीं। लेकिन ठीक है, इंजंक्शन लगाया जा सकता है, लीगली सब कुछ ठीक है, कि अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, मैं तुमको मानो मैं मूवी के लिए 5 करोड़ का, उसने बोला कि 5 करोड़ लेंगे या 10 करोड़ लेंगे, ठीक है, उसको 10 करोड़ में से कुछ 2 करोड़ एडवांस दे दिया, ठीक है, सब कुछ ठीक है एज पर लीगली, सब कुछ वो लोग प्रोड्यूसर लोग या डायरेक्टर लोग सही बोल रहे हैं। लेकिन बाकी मार्केट में लोग अगर कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल है अगर चीजें, तो उन्हें भी दे दो यार। तो ऐसे बहुत तरह का प्रेशर उसके ऊपर था, और भी बाकी चीज और भी था, बस मैंने इतना जाना था कि ऐसा एक सिचुएशन भी उसके साथ, तो जो भी हो, लेकिन मैंने बेसिकली मैं कहना था उसके ऊपर इंजंक्शन बहुत होता था। ऐसे वो लीगल है, इंजंक्शन इज नॉट इलीगल, इंजंक्शन लगा जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट हिसाब से। ऐसे मैंने इंजंक्शन को और एग्जांपल देता हूँ, मानो ये मेरा बिल्डिंग है, मेरे बिल्डिंग के एकदम सटा के कोई बिल्डिंग बना रहा है, नॉर्मली 6 फीट का डिफरेंस होना चाहिए, तुम उसको बोल रहे हो, सुन नहीं रहा है, तुम चुपचाप कोर्ट में जाके फाइल कर दो, पहले बोलो नॉर्मली, फिर एक FIR करो, फिर कोर्ट में जाके एक फाइल करो कि मेरे बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग बना रहा है और वो भी मेरा विंडो ब्लॉक कर रहा है, 6 फीट का डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं कर रहा, कोर्ट से ऑर्डर आएगा, इनका बिल्डिंग जितने हालत में था उसी हालत में इंजंक्शन लगे, समझे। लॉ इज देयर, इंजंक्शन समझ में आया सर। और ये केस याद रखेगा, लुमली वर्सेस वेगनर, ठीक है, ये वेगनर कार है ना, वैसा ही कुछ होगा। सूट फॉर क्वांटम मेरिट, ये क्या है, क्वांटम मेरिट मीन्स एज मच एज इज अर्नड, राइट टू क्वांटम मेरिट मीन्स राइट टू क्लेम फॉर क्लेम द कॉम्पेंसेशन फॉर द वर्क ऑलरेडी डन फॉर द मोर डिटेल्स, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सुनो। सी एन ओनर ऑफ मैगजीन एंगेज पी टू राइट अ बुक टू बी पब्लिश बाई इंस्टॉलमेंट इन हिज मैगजीन, जैसे मैगजीन में इंस्टॉलमेंट में लिखा जाता है ना, मैंने मैगजीन तो वीकली होता है, मंथली मैगजीन होता है, तो तुम उसमें लिखते जाओगे, तो सी एन ओनर ऑफ मैगजीन एंगेज पी टू राइट अ बुक टू बी पब्लिश बाई इंस्टॉलमेंट इन हिज मैगजीन, ठीक है, मैंने बुक जो बनेगा वो इंस्टॉलमेंट में मैगजीन में भी एक एक सीरीज का आएगा, ऐसे होता था। जैसे मानो बंगाल में सबसे फेमस मैगजीन मेरे हम लोगों के टाइम पे होता था, संदेश बोल के एक होता था, संदेश बोल के एक मैगजीन आता था, नाम सुना है संदेश मैगजीन का, ये बंगाल का बहुत फेमस था, फिर बाद में एक थोड़ा कॉमर्शियल हो गया था, आनंद बाजार पत्रिका सुकुमार का, राय, सत्यजीत राय, सत्यजीत राय संदेश पत्रिका, हाँ, वैसे एक्चुअली एक्चुअली देयर इज अ रीजन, संदेश वर्ड का प्योर, नहीं, सुनो सुनो, संदेश वर्ड का प्योर मतलब होता है मैसेज, ठीक है। अब मिठाई का नाम क्यों संदेश पड़ा है ये मुझे नहीं पता, ठीक है, ऐसे हिंदी में गाना नहीं है संदेश है ना, संदेश है माने वही संदेश, संदेश माने संदेश, जो माने बोलते हैं ना संदेश आते हैं, माने क्या मैसेज आ रहा है, घर बुला रहा है, तो मैसेज उस चीज को बंगाली में भी संदेश ही बोलते हैं, सेम वर्ड ही है, लेकिन मिठाई को क्यों संदेश बोलते हैं इसका क्या हिस्ट्री आई नहीं, जो नहीं पता मैं नहीं, जैसे दो मिठाई का हिस्ट्री पता है, रसगुल्ला का, रसगुल्ला क्यों, और देयर इज अ फेमस मिठाई इन वेस्ट बंगाल लेके जिसको किन्नी, लेके किन्नी। लेडी कैनिंग, ठीक है, लेडी कैनिंग के नाम से पड़ा है,
एक्चुअली लॉर्ड कैनिंग जो था हमारे वेस्ट बंगाल का वाइसरॉय था, मतलब इंडिया का वाइसरॉय था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग का बीवी का नाम था लेडी कैनिंग, ठीक है। सर ওটা গুড মেসেজ এর পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে ওটা পড়ছে, এটা মানে গুড মেসেজ তো, মানে সন্দেশ যেটা আর কি, মানে মিষ্টি নামটা দিয়েছে গুড, কারণ খেতে মিষ্টি লাগে আর ওটা আচ্ছা, একটা খেলে একটা ভাল লাগে, একটা হ্যাপি ফিল হয়, সেই জন্য ওখান থেকে আর কি ওই গুড সন্দেশ আর কি, গুড সন্দেশ। আচ্ছা আচ্ছা, লেডি ক্যানি কা হিস্ট্রি পাতা হ্যায় কাইন্ড অফ সন্দেশ। আচ্ছা, হো সকতা হ্যায়। আচ্ছা চলো আগে বড়ো। সি অ্যান ওনার অফ ম্যাগাজিন এঙ্গেজ পি টু রাইট দ্য বুক টু পাবলিশ ইনস্টলমেন্ট ইন হিজ ম্যাগাজিন। আফটার এ ফিউ ইনস্টলমেন্ট ওয়ার পাবলিশ দ্য পাবলিকেশন অফ দ্য ম্যাগাজিন ওয়াজ স্টপড। ইট ওয়াজ হেল্ড দ্যাট পিউ কুড ক্লেম পেমেন্ট ফর দি পার্ট অলরেডি পাবলিশড। যো পাবলিশ হো চুকা হ্যায় যো মার্কেট মে উসি কে কারণ। অ্যাকচুয়ালি ক্যা না, আচ্ছা স্টোরি কে কারণ আজকাল তো লোক এই সব হ্যাবিট কম হো গিয়া হ্যায়। পহলে না স্টোরি পড়নে কা বড়া হ্যাবিট থা। इवन हम लोगों के जनरेशन, हम लोगों के पहले का जनरेशन को तो और था कि कौन से पत्रिका में क्या मैगज बने स्टोरी आएगा उसको पढ़ने के लिए वो मैगजीन को परचेस किया जाता। और अगर कोई स्टोरी का सीरीज अच्छा आता था ना, जैसे एक बार सीरीज आता बोमकेश सीरीज, मैं पहले बोमकेश सीरीज को मैगजीन में ही पढ़ा, ठीक है। फेलुदा सीरीज आता था, मेरे को बड़ा पसंद आता था, ठीक है। सब डिटेक्टिव सीरीज है, ठीक है। बोमकेश बख्शी तो सब सब लोग जानते, हिंदी में भी हुआ है। फेलुदा आज तक हिंदी में कभी हुआ नहीं है। एक बार बीच में बात हुआ था कि आमिर खान के साथ करेगा, लेकिन फेलुदा कैरेक्टर लंबा होता है, आमिर खान शॉर्ट हाइट है, ठीक है। सुशांत ने एक क्या उसने उसने बोमकेश किया है, सुशांत ने बोमकेश किया, फेलुदा नहीं किया। फेलुदा सत्यजीत रॉय का है और बोमकेश आपका सरोजिंदो बंगोपाध्याय का है, दोनों ही बहुत फेमस डिटेक्टिव कैरेक्टर, ठीक है। और ऑल ओवर इंडिया बहुत चला है बोमकेश, तो बहुत चला है। हिंदी में सीरीज होता था DD1 में हम लोग जब छोटे थे, ब्योमकेश बख्शी, जो लोग हिंदी वाले होते ना, हाँ ब्योमकेश बख्शी बहुत अच्छा चलता था, डिटेक्टिव था। फेलुदा का भी बोला था करेगा, तो ये इसने सोचा था आमिर खान से करवाएंगे क्योंकि आमिर खान बहुत बुद्धिमान दिखता है ना, उसका एटीट्यूड। लेकिन प्रॉब्लम है कि फेलुदा का हाइट 6 फीट का है और आमिर खान 5 फीट का है। अमिताभ बच्चन से करवाए, अभी एज नहीं है उसका। हाँ हो सकता था अगर पहले होता तो, अमिताभ बच्चन से हो सकता है। हाँ? अच्छा तो समझे सर, अगर आपका पुराना पेमेंट है तो आप क्वांटम मेरिट के थ्रू से वो ले सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम, याद रहेगा क्वांटम मेरिट माने अगर पुराना हिसाब है तो चुकता करता, समझे, याद रहेगा, ठीक है। तो एक काम करना सर, घर पे आप लोग यहाँ पर ना हर चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मिलेगा, माने केस स्टडीज प्रॉब्लम, ठीक है। आप लोग प्लीज इसे ना रेडी कर देना, क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मैट में, मेरे मैट में, जो भी मैट आपके पास है, जहां से मिले क्वेश्चन कर लो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन अनकॉमन होता है, तो जितना इधर उधर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको एग्जाम में कॉमन मिलने का चांसेस बढ़ गए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्जाम में अगर क्वेश्चन कॉमन चाहिए तो जहां से सोर्स मिले क्वेश्चन का सेम टॉपिक पे कर लो, क्योंकि उसके बाद पता चलेगा सब आ रहा। इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, मेरा ये वाला नोट्स ले लो, इंस्टीट्यूट का जो भी आप लोग का मैट है उसे फॉलो करो, ठीक है। दूसरे इंस्टीट्यूट का मैट है उसे फॉलो करो, सीए वाले सीएमए का मैट ले लो, टॉपिक वाइज देख लो कि तुम्हारे टॉपिक में जो जो मैच करता है वहां से क्या मिले, सीएमए वाले सीए का ले लो, जहां से जो मिले ले लो। इसके बाद देखना कि मैक्सिमम कॉमन चीजें ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ठीक है। चलो आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यू टॉपिक। हाँ गर्भों गर्भों कोई कोड है वल्फर वर्सेस वल्फर से, मैं केस डिस्कस करूंगा आपको। वल्फर का केस बड़ा फेमस है, मैं बताऊंगा। हाँ 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 डिवोर्स का केस था, डिवोर्स का केस था, मैं बताऊंगा, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में फिर से बताऊंगा। ओके सर, बाय बाय सर, बाय सर, गुड बाय सर, नाइट। बाय सर, गुड नाइट यस सर, सर, बाय, गुड नाइट सर, बाय बाय सर। बाय बाय सर, बाय।